स्मोकिंग कॉसेस कैंसर, स्मोकिंग किल्स, धूम्रपान से कर्क रोग होता है, धूम्रपान जानलेवा है। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, मदिरा पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बी सेफ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, सुरक्षित रहें, मदिरा पान करके गाड़ी ना चलाएं। ड्रग कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ, नशीले पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मास्टर साहब, हाँ क्या बात है मास्टर साहब, मुझे पहचाना नहीं क्या? ओहो, मुझे पहचान लिया। अच्छा, मुनियन भी हो साहब। आप रेलवे की नौकरी से रिटायर्ड होकर केरला जाने के बाद मैं भी स्टेशन से गाड़ी लाकर स्टैंड में लगा दिया। ये रे मेरी गाड़ी, आइए बैठिए। नहीं, पहले मुझे काउंटर से मिलना है। कौन सा काउंटर? अपना वो पल्ली वेल काउंटर। अच्छा, अपना ही काउंटर? हाँ, उनको ही। रिटायर्ड होने के बाद उनके साथ बिजनेस का पार्टनर मैं भी था। ये जो साग सब्जियों को मार्केट से खरीदकर होलसेल में बेचते थे। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, उसी कारण से बीच बीच में पल्ली आकर जाता हूं। इसमें कुछ अच्छा लाभ मिलता है क्या साहब? हाँ हाँ, ये काउंटर के घर ही जाएंगे साहब। अबे चोर कहीं के, इस पल्लीवेल काउंटर के सामने झूठ बोलता है, पकड़ के बांध दो इसे। नहीं नहीं नहीं, इनको कुछ मत कीजिए काउंटर साहब, इनको मारने से मना कीजिए, मत कीजिए। इसको ऐसा कुछ किया नहीं तो ये सुधरेगा नहीं, इसकी तो मैं। इनको रोकिए काउंटर साहब, नहीं छोड़ दीजिए इन्हें। बाप रे, ये कौन आया है? मास्टर जी आप, आइए आइए अंदर आइए। आप अंदर जाइए, इसको जरा सबक सिखा के आता हूँ। बात क्या है काउंटर जी? समस्या ये है कि जो बगीचे में सारी सब्जियां थी वो बेच दी इस चोर ने। अरे जाने दो, माफ कर दो उसको। मास्टर जी आप नहीं जानते इसके बारे में। काउंटर जी, अरे जाने दो इसे। जाओ, निकल जाओ, आप अंदर आइए। आइए भाई, ये आपके बारे में चर्चा किए बिना नहीं रहते, आप 100 साल जी। अरे भाग्यवान, पहले मास्टर जी को कॉफी पिलाइए। गणेश अभी बेंगलोर में ही रहता है। हाँ भाई, अभी पढ़ाई खत्म करके शेयर मार्केट का बिजनेस शुरू किया है, लेकिन अभी तक कोई भी फायदा नहीं मिला है। अरे आप कॉफी पीजिए ना। वैसे वल्ली, मास्टर साहब के लिए मुर्गी का सालन तैयार करो, जाओ। अरे हा? नहीं नहीं, दोपहर के पहले वापस चले जाने का ये सोच कर आया था मैं। आज ही? हाँ आज ही। आप जो पैसा देने वाले हैं उसे देकर चुका देंगे, ऐसा आप ही ने कहा था, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ मैंने जो बात बोली थी वो सही है, लेकिन इस बार आप ऐसा मत बोलिएगा। देखिए मामला बहुत गंभीर है, बड़ी लड़की के लिए कुछ रिश्ते आ रहे हैं। पिछली बार जब आया था तो मैंने याद दिलाया था ना। आपकी तकलीफ मैं समझ रहा हूँ मास्टर जी, लेकिन इस बार बहुत भयंकर तूफान, हवा, बारिश, इन सब की वजह से फसल बर्बाद हो गई। बिजनेस पूरी तरह से नुकसान में चल रहा है। इसमें लाभ के विषय के बारे में मैं नहीं मांग रहा हूँ, जो पैसे इन्वेस्टमेंट के पहले दिया था उस बारे में बोल रहा हूँ, आपने माना भी था। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अचानक से पैसे लौटाने की स्थिति में नहीं हूँ मैं। 1,000 या 10,000 होगा तो ठीक था, 10 लाख चाहिए ना। ऐसा मत बोलिए काउंटर जी, पूरा मत दीजिए, फिलहाल कम से कम थोड़ा ही दे दो। इस बार भी आप मुझे एक मौका दे दीजिए काउंटर जी। सिर्फ इस बार, अगली बार जैसे ही पैसे आते हैं मैं आपको पहले ही लौटा दूंगा। बोलिए मुझे अब कब आना होगा? आने वाले पोंगल पे खत्म कर दूंगा। पोंगल के लिए तो अभी सिर्फ 2 महीना ही बाकी है,
मुझ पर भरोसा कीजिए मास्टर जी। काउंटर की बात पे आपने भरोसा कर लिया क्या? आपका पैसा इस जन्म में नहीं मिलने वाला। अपने केरला से कुछ हट्टा कट्टा गुंडों को लेकर आओ जो जान निकाल दे ऐसे मलयाली। मंगल भवन अमंगल हारी, तव सहु दशरथ अजर बिहारी। रघुपति सी से फ्रेश एंड फेयरलैंड, सी से फ्रेश एंड फेयरलैंड, सी से फ्रेश एंड फेयरलैंड, फ्रेश एंड फेयरलैंड। रघुपति राघव राजा। दादाजी जो परमेश्वर की कथा सुनाते हैं उसमें से कुछ कथा मैं भी जानता हूँ। अच्छा, तो तुम्हारा कान अभी भी वहाँ की बातों में ध्यान दे रहा है ना? तो कैसे यहाँ ध्यान रहेगा? जो मैंने कविता सिखाई उसे पूरा याद नहीं किए? अगर नहीं किए तो कान के नीचे खींच के दूंगी। ठीक से पढ़ाई में ध्यान दो। राघोपति सीसे फ्रेश एंड फेयरलैंड, सीसे फ्रेश एंड फेयरलैंड। हाँ, क्या बात है मालिनी? गणेश, तुम्हारा भाई इतना स्ट्यूपिड कैसे हो सकता है? हाँ, क्या हुआ? कुछ बूढ़े लोग कुछ देर से यहाँ बैठकर कुछ तो कथा सुनाकर शोर मचा रहे हैं। वो सब मेरे पिताजी के दोस्त हैं। पिताजी के जाने के बाद वो काम बड़े भाई ने संभाल लिया। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए ही ये कोई अनाथालय नहीं है, इडियट फेलो। अरे तुम छोटे भाई को उनको समझाने के लिए बोलो। ओ, मैंने ज्वेलरी शॉप में फोन किया, सतीश भाई भी वहाँ नहीं है। वैसे विमला ने फोन करके बोल दिया। इस बुढ़े लोगों को शोर मचाने की वजह से बच्चे लोग ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। रमेश, जरा सतीश को फोन करके देखोगे क्या? हाँ, फोन करता हूँ। अगर फोन लगा तो विमला को कहना समझाने के लिए। हाँ, मैं त्रिशूर तक जा रहा हूँ। बात क्या है? किसको बोलकर मैं उनको समझाऊंगा? माधव भाई से बोलने से वो मलयालम में चार पंक्तियों को सुनाकर इंसानियत का पाठ सिखाएंगे मुझे, यही होने वाला है। तुम मालिनी को फोन करो और माँ को बोलने को कहो, नहीं तो उसके लिए मैं क्या करूंगा अब? हाँ नहीं, विमला से बात कर लूंगा, ठीक है? तुम्हें ही बुलाने के लिए मैं सोच रही थी। ये लो, तुम ले जाकर उन बुजुर्गों को पिलाओ। इसके लिए वेलू चेनी नहीं है क्या? वो सुबह सुबह गाय के लिए चारा लेने चला गया है। मैं अगर लेकर जाऊंगी तो माधवन भाई बुरा मान जाएंगे। इसमें पसंद का क्या है? वो पुरानी रीति रिवाज को इज्जत देने वाले आदमी है, इसीलिए मैंने कहा। पिताजी के हर आदत और हर स्वभाव को अच्छे से जानता है वो, बहुत नेक इंसान है। वैसे ये ड्रामा हमेशा रहेगा क्या यहाँ? ड्रामा? हाँ, ये राम कथा कृष्ण कथा। वो ड्रामा नहीं है, वो वैदिक श्लोक है। पिताजी के जमाने से रहने वाला संप्रदाय है ये। क्या बात है माँ, हंस रही हो? इसने कोई मजाक किया क्या? हमेशा यहाँ पर ऐसा वैदिक श्लोक होगा, ऐसा पूछ मालिनी रही है। तुम्हें पसंद है ना? मैंने तो बस पूछा। हाँ, मैं समझ गया। इंग्लिश मीडियम में पढ़ी लिखी हो फिर भी मलयाली के वैदिक श्लोकों को सुनकर खुशी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है ना? लड़की इसके जैसी होनी चाहिए, भले ही कितनी इंग्लिश पढ़ लो लेकिन मलयाली का आनंद मलयालम में बात करने से ही आता है। पर यहाँ तो खुद के बच्चों को ही मलयालम नहीं आता है। कुछ ऐसे माता पिता हैं जो इस बात को फख्र से कहते हैं, जो मलयालम पढ़ता है वो देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो बात करते ही वो सब कुछ समझ जाते हैं। लेकिन दूसरी भाषा के लोग अगर मलयालम बोलना चाहे तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। यही तो हमारी भाषा का गुण है। नहीं, वैसे विमला सतीश भाई को फोन करके बोली थी यहाँ इस वैदिक श्लोक की वजह से। सभा कार्य शुरू हो चुका है, फोन करके ऐसा बोल दिया है क्या? दुकान छोड़कर वो तुरंत भागते हुए आ जाएंगे। अक्षरा वैदिक स्लोगन पहले से ही सुनने में सबको बहुत दिलचस्पी है, यहाँ आकर कुछ वैदिक स्लोगन बोलेगा भी। रमेश मेरा छोटा भाई है लेकिन श्लोक बोलने में बहुत कमजोर है। तो बेटी, अगर तुम्हें ये पसंद आया है तो हम उन लोगों को शाम को इधर बुला लेंगे श्लोक पढ़ने के लिए। अभी माधव की बारी है। अभी कौन सा श्लोक है? ये लीजिए पकड़िए। धोती पहनकर सुबह सुबह भगवान को याद करके
कोयता लेकर फसल काटने के लिए खेती में उतर कर फसलों को काटना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। धन्यवाद। बढ़िया श्लोक है ये, लंबोदरी का गाय श्लोक है। कितना बढ़िया और अच्छा श्लोक है, ऐसे लगता है जैसे देवी माँ खुद हमारे सामने आके खड़ी हो। एकदम कमाल की है वो। वो संप्रदाय का श्लोक होगा जो नारायण जी बोलते थे। माधुन भाई, माधुन भाई, क्या माधुन भाई हो? अपने जो के गुरुजी हैं, उनको सब मिलकर रोक रहे हैं, वो बिल्कुल भी हिल नहीं सकते। सब लोग बीच में रोक कर खड़े हैं, अपने वो चौराई के घर के सामने। ये क्या बोल रहा है, चौराई जंक्शन के घर के सामने सब लोग एक साथ मर गए हैं क्या? अरे वो मरे नहीं है, चंद्रपुली के घर में अपने के गुरु को सभी लोगों ने रोक हाँ, के रखा हाँ, है लोगों हाँ, की भीड़ भाड़ में गुरुजी उनको ठीक से संभाल नहीं पा रहे हाँ, हैं। यही बात इसको है, इसको भी अभी तक ये बात नहीं पता। सही बोल रहे हो। बात क्या है? बात क्या है मुझे नहीं पता। 10-15 साल हो गए इसको इधर आकर, अभी भी ना बोलना नहीं सीखा ये लड़का, क्या होगा इसका। तुम कहाँ रहे हो? मैं भी आता हूँ। तुम मताओ, गाय को जाकर पहले पानी पिलाओ। हम आते हैं माधवन। सब लोग साइकिल से नहीं जा सकते, उसके लिए ट्रैक्टर है हमारे पास। सही है। मेरे शरीर में जब तक जान है इस घर में पैर नहीं रखने दूंगा इसे। ये लो, अभी माधवन आ गया है, अभी क्या करेंगे। माधवन देखो क्या हुआ गुरुजी, आजकल तो घर बसाना भी मुश्किल हो गया है। क्या हुआ, बुढ़ापे में मेरे पिताजी की शादी करवाने वाला ये कौन होता है? शादी करवा रहे हैं तुम्हारे पिताजी चंद्रपुलियन की? और क्या है, फिर भी किसी को बोले बिना शादी करके इस टूरिस्ट को गाड़ी में बिठा लिया है, हम कभी मानेंगे नहीं इसे। ये सच है क्या गुरुजी? बात तो सही है, इस बुढ़ापे में इतने बड़े घर में अकेले पड़े रहना बहुत तकलीफ हो रहा था, ये देखकर थोड़ा उसकी मदद के लिए एक इंसान साथ में रहने दो ऐसा सोचकर मैंने किया। तो फिर तुमको शादी कर लेना चाहिए था ना, इस तरह अकेले रहकर इस बुढ़ापे में कई सालों से ऐसे ही भटक रहे हो। वैसे इनकी सहायता की मुझे जरूरत नहीं है वासु, तुम्हारे पिताजी को ही है। अच्छा पिल्ला भाई कहाँ है? पिल्ला और वो नई दुल्हन कार के अंदर है, अपने बच्चों के डर की वजह से बाहर नहीं उतर रहा है। बाहर उतरेगा तो भी ये लोग उसे अंदर नहीं जाने देते हैं। जो चक्रव्यूह में फंस गया है उस अभिमन्यु जैसा हाल हो गया है मेरा बिल्कुल। अभी तो भले ही मैं कलरी कराते का गुरु हूँ लेकिन अभी मुझसे कुछ और करने को नहीं हो रहा है, मेरी रक्षा करो। पिल्ला भाई सब कुछ ठीक है, बाहर आ जाइए। सुनिए माधव भाई, अगर ये दूल्हा और दुल्हन बाहर निकले तो मैं भूल जाऊंगा ये मेरे पिताजी है। क्या करोगे, मारोगे? तो मारो, मैं भी देखता हूँ। पिल्ला भाई बाहर आइए। क्यों पिताजी, आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हो? धोखा तो तुमने दिया है ना सुमिति। वो क्या है ना, मेरे पति की इजाजत के बिना मैं नहीं आ सकती। जब तुम्हारी माँ नानी दीदी मरी थी ना, तब तुम तीनों भाई बहन बहुत ही ज्यादा छोटे थे। उस समय दूसरी शादी करने के बजाय ये आदमी खेत में कड़ी धूप में मेहनत करके अपना खून पसीना बहाने के बाद तुम तीनों की बहुत अच्छे से परवरिश की और शादी भी करवाई, समझे। उसके बाद तुम तीनों अपनी अपनी जिंदगी में अपने अपने रास्ते चले गए और पलट के कभी इस घर की तरफ नहीं देखा। मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है तो गाँव वालों से क्यों नहीं पूछते? तुम जो बोल रहे हो 100% सही है। फिर भी इस उम्र में उनको ये सब करना शोभा देता है क्या? तो फिर अभी क्यों आई हो? हमको जो मिलने वाला हिस्सा है जब तक हमारा हिस्सा हमको बांट कर नहीं दे देते तब तक ये नहीं होने वाला। मतलब तुम्हें जायदाद की पड़ी है, इस घर का बंटवारा कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? हाँ, थोड़ी सांस फूल रही है। वैसे घर और जमीन तुम्हें कोई दान में मिला हुआ हिस्सा नहीं है, ये पिल्ला भाई की खुद के मेहनत से कमाई हुई जायदाद है, समझ में आए बात? अगर इनकी मर्जी है तो देंगे, अगर नहीं तो फिर नहीं देंगे, जबरदस्ती मत करो तुम। फिर भी ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। इनकी उम्र के बारे में बोलने से कोई फायदा नहीं होगा, मेरी बात सुनो, अंदर जाओ और आरती की थाली लेकर आओ। चलो जाओ जल्दी करो। हाँ ठीक है जाओ जाओ जाओ। अरे जल्दी करो जल्दी, चलो अंदर चलो चलो आ जाइए। हे भगवान, हे भगवान, अच्छे से दूध दे दो, आज इतना हिचक क्यों रही हो? देखो आराम आराम से निकाल रहा हूँ। ये नहाने में कितना आलस करती है। ए रुक रुक, कहाँ भाग रही है, खड़ी रहे, चुप करके नहा। चलो हो गया, अभी तो गाय को भी नहलाना बाकी है। ऐसे चुप खड़े रहने से कोई फायदा नहीं होगा, अभी तुम्हें एक बच्चा और पैदा करना है। मेरी बात समझ गई हाँ? लगता है मुझे डॉक्टर को नहीं बुलाना होगा। ओ क्योंकि अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है, होगी तो ही बुलाऊंगा। ये लो पी लो। माधवन भाई निकल तो गया है लेकिन आज दूध बहुत कम है। कम नहीं है, तुमने ही कम निकाला होगा। क्या भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोलूं नहीं तो क्या करूं, जब भी तुम दूध निकालते हो कम क्यों निकालते हो? उस गाय को मुझे देखना ही पसंद नहीं है, मैं क्या करूं? तुमसे मैं कई बार बोल चुका हूं, दूध निकालते समय भगवान भगवान नहीं माधवन माधवन कहकर बुलाया करो। ये क्या है भाई, आप पलनी जाते वक्त मुर्गन मुर्गन बोल कर जाते हो ना? अरे हाँ मैं मुर्गन मुर्गन बोल के जाता हूँ,
लेकिन ये सभी के सभी माधवन के शिष्य हैं, अपने कृष्ण भगवान के। श्री कृष्ण उनके शिष्य हैं क्या? हे गुरुवायप्पा, यहाँ तो बहुत मच्छर हैं। बड़े पापा मुझे दूध चाहिए। आ जाओ जाओ, देखो गाय का कच्चा दूध पीने के लिए कैसे भागकर आ गया। तुम नहा ली ना बेटा? छोटी माँ ने मुझे नहलाया। कितना समझदार हो गया है मेरा बेटा। ये लो पी लो, पूरा पीना। अरे बहुत शर्मा रहा है नहाने के लिए। तुम नहीं नहाए क्या? अरे मेरा उपवास है ना, इसलिए नहीं नहाया। मौसम थोड़ा खराब है ना, बहुत ठंड लग रही है, मेरा नहाने का जी नहीं करता। ऐसे ही दूध कम नहीं हुआ है, कहा था ना नहा कर दूध निकाला करो। बाप रे, मैं अच्छे से साबुन लगा के हाथ पैर धोने के बाद ही दूध निकालने गया था। हाथ साफ करके दूध निकाला था ना। जाकर दूध माँ को दो और नहा कराओ। ठीक है चलो बेटा। तुम मुझे हाथ मत लगाओ, मैं काला हो जाऊंगा। हे देवी माँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? बच्चे भी काले कह रहे हैं। रोहन, ये क्या है? ऐसे कच्चा दूध नहीं पीते। ये माधवन भाई ने दिया है। मैंने पीने के लिए लिया था छोटी। क्या बात है मालिनी? माधवन भाई ने अपने छोटे मालिक को कच्चा दूध दिया, मत पियो बोलकर छोटी माँ ने दूध को ले लिया, तो मैं क्या करूँ? ये अभी अभी निकाला गया कच्चा दूध है, अंदर बैक्टीरिया होगा, बाद में बीमार भी पड़ जाएगा ना। उसके लिए हमारी बात की कोई कीमत है क्या? सब लोग माधवन भाई की बात को सुन रहे हैं ना। माधवन भाई बिना जाने कुछ भी करते हैं, इसका मतलब बाकी लोग भी वही करे। माधवन इस तरह की किसी बिना जानकारी के काम नहीं करता। ताज़ा दूध को तुरंत पीने से कोई बीमारी होने वाली नहीं है। बचपन से सतीश और रमेश इस तरह के दूध को पीकर ही बड़े हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ हाँ माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? तो फिर तुमने अपने माँ का दूध गर्म करके ही पिया है क्या? हाँ बताओ। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, आगे तुम्हारी तुम जो करना है वो करो। माँ जी दूध रसोई में जाकर रखो। हाँ। इसे इनको मैं कैसे समझाऊं? वैसे माधवन, हमारे ग्राम पंचायत के सुधार और तरक्की के लिए 30 करोड़ रुपए सब्सिडी दिया है, ऐसा अखबार में लिखा है। उस भाई लोगों से जरा पूछ कर देखना चाहिए ना माधवन भाई। ये हुई ना बात, किससे? राजेंद्र से। वो तो कहेगा कि अपने पाप को मिटाने के लिए काशी में डुबकी मार कर आओ। ये लो चाय। तरक्की तरक्की बोल के पूरे गांव को उल्लू बनाकर घूम रहे हैं लोग। अगले पंचायत इलेक्शन में तुम खड़े हो जाओ ना माधवन। इसका मतलब जो दोस्ती है वो भी खत्म हो जाएगी। अगर गांव वालों की भलाई करना है तो मैं इलेक्शन में खामखा क्यों खड़ा हो जाऊं? मेरे पिताजी ज्यादा छोड़कर गए हैं, मैं उससे ही हर किसी की मदद आराम से कर सकता हूं। उस तरह की सुविधा को ही देकर नहीं गए हैं ना वो? मदद करने के लिए दिल भी तो उनका बड़ा था ना। हाँ, मेरे पिताजी हमेशा बोलते हैं कि लोगों की मदद किया करो, लोग ऐसा बोले कि वो देखो उसका बाप जा रहा है। इसका मतलब? मैं पिताजी के पुण्य और कर्मों से पैदा हुआ हूँ, ऐसा लोग कहते हैं। ये बाप के लिए बेटे का बहुत बड़ा फर्ज है, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों भाई, कितना हो गया? मुझे मार्केट भी जाना है, जल्दी करो। मेरा भी दे दो, मास्टर जी का भी ले लो। ठीक है। हेलो, हम जल्दी पहुँच जाएंगे, आप वहाँ आ जाएंगे ना? फोन पे इस तरह बात करते करते कौन बाइक चलाता है? पहले बात कर लो फिर बाइक चलाओ ना। इसके लिए अच्छा होगा कि कहीं से आगे जाकर पुलिस वाला ना पकड़ ले। आजकल किसी को इतनी परवाह नहीं है। हाँ, वैसे घर में आकर तुमसे मिलने की सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? कैसी हो बुढ़िया? मैं उसकी शादी कराने के बारे में सोच रहा था। कौन, जुबैदा? हाँ, अभी एक ही लड़की की शादी बाकी है। उसकी उम्र कितनी है? ये लड़कियों का मामला है ना, बहुत ही जल्द वो लोग बड़ी हो जाती है। हाँ? अरे देखो तो कौन आ रहा है। अरे माँ जी कहाँ जा रही है? राशन की दुकान में बेटा। घर में कोई बच्चे नहीं है क्या? वो लोग सब घर की छत पे लगाने के लिए मैंने चारा भेजा था, लगा दिया ना? मैंने लगा दिया भी। हाँ ठीक है, आराम से जाइएगा। हाँ चलिए। हाँ। मास्टर जी क्या कह रहे थे आप? भगवान की कृपा से अभी जो रिश्ता मिला है, अगर वो पक्का हो जाएगा तो मेरी थोड़ी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। अब क्या करने का सोचा है? दोनों बड़ी लड़कियों की शादी करवाया था, तब थोड़ा आराम मिला था मुझे, थोड़ा पेंशन मिल रहा है, लेकिन छोटी वाली की शादी करने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं स्वामी जी? मैं घर आया था। हाँ, जंक्शन के पुल तक जाना है, लड़की की डिलीवरी हो गई है। किसकी? भार्गवी की? हाँ, आज सुबह ही हुआ। लड़का हुई या लड़की? लड़का है, अविटम नक्षत्र का। ओ, जो अविटम में पैदा होता है वो दुनिया पे राज करता है, आपके घर में राजा पैदा हुआ है। ये लीजिए, ये रखिए। देवी माँ, हर बार की तरह देवी माँ का आप पर आशीर्वाद बना रहे। आशीर्वाद तो बना ही रहेगा, देवी माँ हमेशा मेरे साथ है। आप जाकर आइए। तो जुबैदा का निकाह कब करवा रहे हैं? अभी ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, उसकी शादी करवाने का समय भी आ गया है। वो लोग क्या मांग रहे हैं आपसे? उन लोगों की सोने की मांग कुछ ज्यादा ही है। बेटे के हाथ में और गले में 4.5 तोला है, 5-6 तोला सोना खरीदने का पैसा जुटा कर रखा हूँ। और भी काम के लिए थोड़े पैसों की जरूरत पड़ेगी ना। इस समय तकलीफ दे रहा हूँ ऐसा मत सोचना, इस बार आपको मेरी मदद करनी है। सतीश से जरा आप बोलेंगे तो? बोलता हूँ। जुबैदा भाग्यशाली है, समझे उसका निकाह पक्का हो गया। सतीश कार लेकर यहीं आ रहा है।
क्या बात है भाई, हमारे अली भाई मास्टर की बेटी का निकाह है। अच्छा ऐसा है। उसकी शादी के लिए मास्टर जी के पास सोना थोड़ा कम पड़ रहा है। स्टैम्प पेपर या किसी पेपर पर साइन करके देना है तो अभी क्या कर देता हूं। आपके बारे में गांव में हर कोई अच्छे से जानता है, साइन करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे पिताजी की आत्मा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। नहीं, एक गारंटी के लिए। गारंटी में कोई कमी नहीं है, आपको जो भी लेना है सीधा इसके ज्वेलरी शॉप पर चले जाइएगा। क्या बोलते हो सतीश? हाँ अब तुम जाओ। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं? ये क्या मास्टर जी, हम सब इंसान ही तो हैं। हम सबको पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाने वाले केवल आप ही हैं मास्टर जी। अगर आदमी को पहचान कर उसकी मदद नहीं की तो मेरी इतनी जायदाद होने का क्या फायदा। सांस छोड़ने के लिए सांस ले सकते हैं, इसकी तो गारंटी है ना। सब कुछ अच्छा होगा मास्टर जी, बस आप हिम्मत रखिए। हाँ गांव में ऐसी तकलीफ वाले लोग बहुत मिलेंगे, वो लोग जो चाहते वो देने के लिए तेरा भाई ही है क्या? मेहनत करके ज्वेलरी शॉप को चलाने वाले की तकलीफ जो चलाते हैं वही जानते हैं, मतलब मुझे। उधार देने वाले सोने के बदले में स्टैम्प पेपर पर साइन करके देता हूँ, मास्टर ने खुद बोला था। लेकिन दयालु माधव ने जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली। पिताजी के दोस्त से साइन लेना गलत है, बोल रहा है कोई गारंटी नहीं चाहिए। एक लड़की की शादी के लिए ही ना, अली मास्टर एक अच्छे इंसान है, वो तकलीफ में है इस वजह से। शादी के बाद वो वापस कर देंगे। हाँ वापस कर देंगे, आज तक हमने जिसको जो दिया है वो वापस लौटाया है क्या? वो गरीब लोगों को टॉयलेट बनाकर देने के लिए मेरी दुकान से सैनिटरी के टॉयलेट लेकर गए थे। सबको टॉयलेट बनाकर देने के लिए गांव में पंचायत नहीं है क्या? वो करके देंगे ना, वो कैसे, गांव वाले अपनी बिरादरी के है ना। और कुछ भी पूछने गया तो मेरे खाते में लिख लो, ऐसा बोल रहे हैं। सबका हिसाब किताब लिख के रखा है मैंने। हमें जितना चाहिए उतनी जायदाद भगवान ने दे रखी है, जो तकलीफ में है उनकी मदद करना कोई गलत नहीं है, उसका फल ईश्वर जरूर देगा। हाँ देगा, जायदाद खत्म हो जाएगी तब पता चलेगा। कांवर उठाना बाद में सर मुंडवा कर। रमेश क्यों बेकार में इस तरह जुबान लड़ा रहे हो? कितना कुछ भी बोलो फिर भी माधवन भाई को एक भी शब्द माँ बोलेगी। इसके पिताजी भी ऐसे ही थे, कोई भी इंसान कभी भी अपनी तकलीफ लेकर आए तो उसको कभी भी मना नहीं करते थे। पिताजी का जो स्वभाव और गुण है वो सब इसमें है। हम जब भी कुछ बोलना शुरू करते हैं तो आप बस एक बात को दोहराती रहती। तुम जरा चुप रहो। हाँ ठीक है, आज के बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगी। इसकी बात में भी सच्चाई है माँ, आप ही इन सब के पीछे हो। तो फिर मास्टर को सोना देने के बारे में जब वो बोल रहा था तब तुम सोना नहीं देते तो उसको मना कर देते? मेरी जबान पर आ ही गया था लेकिन मास्टर जी को सामने देखकर मैं चुप हो गया। अगर आसमान में थूकोगे तो मुंह पे ही आके गिरेगा। वो शादीशुदा नहीं है इसलिए इस तरह दान धर्म की बातें बोलता है। माँ उसको समझाओ नहीं तो लेट हो जाएगा। मैं नहीं बोल रही हूँ क्या शादी के बारे में? लेकिन जब भी मैं बात करती हूँ तो गाँव वालों के सामने दूल्हे का कपड़ा पहन के मैं खड़ा था, ऐसा बोलता है। अब मैं क्या करूँ बता, तुम बताओ मैं क्या बोलूंगी इसको। एक बार ऐसा हो गया है तो हर लड़की शादी के मंडप से अपने आशिक के साथ नहीं भाग जाएगी। इस तरह गांव वालों के सपोर्ट में दान धर्म करके घूमता रहेगा, फिर आखिरी वक्त में ब्रह्मचारी की जिंदगी जीते समय बीमार पड़ने पर। तुमने जो बोला वो काफी है, कौन किसको पानी देगा ये समय बताएगा। ऐसा अपने तरफ से कोई श्राप मत दो, वो सब जैसा भगवान ने सोचा है वैसा ही होगा। बाप रे माँ सोई नहीं है, उठ जाएंगी। रुक जाओ रुको। हाँ क्यों माँ, आप इतनी ठंड में जागती क्यों रहती हैं? हाँ जानबूझकर ही जाग रही हूँ। हाँ मेरी राह देख रही हैं क्या? लेट होने पर मेरा इंतजार मत क्या करी, कितनी बार कहा है। आधी रात को आए हो, आज किसकी मदद के लिए गए थे तुम? क्या बोलूँ माँ, अरे चंद्रा भाई के बच्चे के सीने में बहुत दर्द हो रहा था। आधी रात में जब इस बात का पता चला तो मैं तुरंत वहां गया और बेचारे को देखा तो वो बेहोश पड़ा था। उसे देखकर बहुत दुख हुआ। मुझे पिताजी की याद आ गई, मुझे आज भी याद है माँ। सुबह जंक्शन के पुल पर जाने के लिए जुबे ने मदद के लिए पूछा था तो मेरे पास जो भी था देकर मदद की थी मैंने। माधव ऐसी आवाज सुनकर दौड़कर जाकर देखा तो वो बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। इस वक्त में भी पिताजी साथ में नहीं है ऐसा सुनकर दुख हुआ। मेरी आवाज सुनकर ही आप जा गई थी और बिल्कुल वैसे ही उस बच्चे का बाप भी सो रहा था और बिना कुछ सोचे समझे पूरे ठंडे दिमाग से अपने इन्हीं हाथों से उसे हॉस्पिटल ले गया।
अभी कोई परेशानी नहीं है, इंजेक्शन लगवाकर हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है, अभी खतरे से बाहर है, ऐसा डॉक्टर ने कहा। सब भगवान की कृपा। माधवन भाई ने दवा वगैरह सब खरीद दिया है और कल फिर उससे मिलने जाएंगे। माँ मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुमने कुछ खाया? नहीं माँ, बहुत भूख लगी है। तो फिर हाँ, चलो, चलो फिर। मेरा चप्पल कुत्ता लेकर चला जाएगा इसलिए। मारो मारो, खेलो, मारो उसे। हाँ, क्या कर रहे हो, मारो ना। हाँ, और मारो। बच्चों के साथ मिलकर कोई ऐसा खेल खेलता है क्या? इस उम्र में एक दूसरे को मारो पीटो इस तरह का खेल खेलेंगे तो बड़े होकर इस देश का हाल क्या होगा? इस तरह खाना बनाकर बाहर ले जाकर देने की क्या जरूरत है? जो भी मेहमान हैं उन्हें अंदर बुलाकर खाने की जगह पर बिठाकर खाना खिलाओ। अरे ये खाना खाने के लिए नहीं है दादी माँ, पिताजी और बड़े पापा सब लोग मिलके मेहमानों के साथ ब्रांडी पी रहे हैं। बहुत चलाते हो आजकल। ओह अच्छा, तो उसने ऐसा बोला, क्या गलत है? बच्चों को सामने बिठाकर सब लोग इस तरह घटिया काम करेंगे तो क्या वो चुप बैठेंगे? माँ जरा आप चुप रहेंगी क्या? अगर वो लोग सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे? क्या हो जाएगा? वो अपने भाई के दोस्त है ना, हमें इज्जत करना नहीं आता, वो ऐसा सोचेंगे ना। तुम ब्रांडी पीती हो क्या? नहीं। क्यों नहीं पी रही हो? जमाना बदल रहा है तो जमाने के साथ तुमको भी बदल जाना चाहिए ना। वहाँ जाकर एक पैक ब्रांडी पियो और सिगरेट भी पियो। नंद कुमार की बीवी को अगर इज्जत नहीं मिली तो तकलीफ हो जाएगी। सच बोलो तो हमारे लिए हराम का काम है, फिर भी मुफ्त में हासिल होने वाली ये विदेशी दारू जो मिली है उसको पिए बिना ना रहने से हमारी जिंदगी में सुधार नहीं आएगा, जबरदस्ती पीना पड़ रहा है। और मैं बीच में इस तरह की डील के काम के लिए कितना कुछ मीटिंग किया है पता है, लेकिन जब देश चल रहा है साथ में मिलकर हम नहीं चलेंगे। सुनो, तुम लोग नंदू का दोस्त होने के नाते मैं एक सच बताता हूँ, अभी जो रोड बनने वाला है उसे नंदू के खेत के तरफ मोड़कर लेकर आने जैसा गवर्नमेंट ऑफिस में और ग्राम पंचायत और जिला पंचायत में क्या क्या खेल नहीं रचाया इस राजेंद्रन ने। तो वो गांव की भलाई या सेवा के लिए उतरता है क्या? वो लोग जो मांग रहे हैं उन सारी जरूरतों को देकर पूरा कर देंगे, ऐसा ऑफर देने की वजह से ही अभी इस तरह का रोड यहाँ पर बनने जा रहा है। मेरा भाई राजी होगा कि नहीं मुझे शक है। हाँ, वो पुराने जमाने का आदमी है, उसकी उम्र से बड़े लोग ही उसके दोस्त हैं। ये बार होटल खोलने के विषय में पार्टीशन हमारे बीच में नहीं हुआ। हाँ ये हुई ना बात, जरूरत पड़ने पर क्लू देने के लिए औरत की अकल बहुत जरूरी है। तुम दोनों तो बस हमारे साथ खड़े रहो, वही बहुत है, बाकी सब तो मैं संभाल लूंगा। क्या बोलते हो राजेंद्रन भाई? हाँ वैसे तुम्हारे ऊपर माधवन को पूरा भरोसा है, तुम्हारी बात को जरूर मानेगा। लगता है वो आ गया है। बड़े पापा। अरे अरे छोटे मालिक। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ। तुम लोग कब आए? हाँ बड़े पिताजी, मामा मम्मी सब लोग आए हुए हैं। देखो बड़ी माँ। सब लोग एक साथ ही आ गए, कोई खास बात है क्या? आपसे मिलने के लिए खास वजह की क्या जरूरत? ये भी सही है, तुम्हारे छोटे बच्चे कहाँ हैं? कोचिंग चल रहा है ना, इसलिए दोनों को लेकर नहीं आई। मैथ और फिजिक्स दोनों में कमजोर है। मैथ और फिजिक्स में कमजोर होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि तुम्हारे बच्चे हैं ना। फिजिक्स है मामा जी, उसमें भी कमजोर है वो। ऐसा मजाक मत करो, फिजिक्स में वो लोग कमजोर ही है, लेकिन सुधार तो मिलना चाहिए ना भाई। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। साले साहब, अंदर मेरे दो दोस्त आए हैं, उनको आपसे मिलवाना है। तुम्हें काफी देर हो गई? नहीं, अंदर चलो, जाओ बच्चे, तुम लोग जाकर खेलो। साले साहब, ये कॉन्ट्रैक्टर हैं अमित सर, फाइनेंशियल, शेयर मार्केटिंग, एक्सपोर्टिंग, एक बहुत बड़ा शॉप है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस जीने के लिए छोटा सा धंधा करता हूं। बोलने के लिए ये ऐसा बोलते हैं, बॉम्बे से लेकर दुबई तक ये हमेशा उड़ते ही रहते हैं, ऐसे आदमी हैं। और वैसे ये हेलो, आई एम टोबियास, इंजीनियर टोबियास। ये कौन है? वीआईपी लोग ऐसे ही हाथ मिलाते हैं क्या? क्या है ना साले साहब, नहीं वीआईपी लोगों को इज्जत देना मैं नहीं जानता, इसलिए पूछा। सॉरी आई फॉरगॉट इट। वॉश किधर है? वो उधर है। अच्छा, अरे रुको मैं भी आता हूँ। उन लोग मुझसे इस हाल में मिलेंगे तो उनको याद रहेगा क्या? नहीं, वो लोग थोड़े नशे में है, ऐसा वैसा तो होता ही रहता है।
घर में औरतों के बीच कोई इस तरह की हरकत करता है क्या? बड़े बड़े लोगों का बिजनेस के कामों में इस तरह ड्रिंक करना एक रिवाज बन गया है। माधवन भाई, आप कभी ऐसी पार्टी में गए नहीं हो, इसलिए आपको अजीब लग रहा है। ऐसा है क्या? तो फिल्मों की हीरोइन को लाके नचाओ ना यहाँ पर। अगर तुम लोगों को किसी बिजनेस के बारे में बात करना है तो किसी बड़े होटल में जाकर बात क्यों नहीं करते? ये घर एक मंदिर है। लेकिन इस सिलसिले में फैसला लेने वाला आदमी मिस्टर माधवन, उस वजह से ही हम लोग इधर आए हैं। क्या मैं? हाँ, केवल आप हाँ करके हाथ मिला लो, इतना ही काफी है, बाकी का मैं सब संभाल लूंगा। कैसा खेल? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं समझाता हूँ। हमारी खेती की तरफ एक बाईपास रोड का सेंशन हुआ है, पालाकाड़ जाने के लिए शॉर्टकट है। जिला पंचायत के बहुत संघर्ष प्रदर्शन करके ही मैं अपने वराकन गांव के इस तरफ रोड बनाने के लिए सेंशन करवा लिया है, और थोड़ा बहुत रिश्वत देने की बात भी आई है। स्विमिंग पूल, मसाज सेंटर, हेल्थ क्लब के साथ साथ 5-स्टार फैसिलिटी होने वाले होटल हम लोग बनाने का प्लान कर रहे हैं। एक हेरिटेज होटल। हाँ। फॉरनर देखेंगे तो उनके दिल को छू लेने वाला आईने जैसा होटल, ऐसा बहुत मजेदार सेटअप है। कोटेयम और अलापुरा में जो भी डिजाइन को मैंने किया है, ज्यादातर फॉरनर्स का दिल जीतने बनवाने के लिए। हमारे खेत में पूरे खेत में नहीं, खेत के बीच में बनाना ही ठीक रहेगा। आसपास में खेती दिखाएंगे तो अच्छा व्यू भी मिलेगा, थोड़ा शेयर भी मिलेगा। ऐसा एक खेत है, इस बात को जानकर ही हमने होटल बनाने का प्लान किया। मिस्टर माधवन, आप आंख बंद करके उस जगह को लिख कर दीजिए, हम काफी पैसा कमाएंगे। जब देश आगे बढ़ रहा है तो हमें भी बढ़ना चाहिए ना। बढ़ने की बात तो ठीक है, लेकिन खेत के बीचों बीच में ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे थोड़ा सोच कर देखिए मिस्टर माधवन, इट्स अ गोल्डन चांस। इस काम को करने के लिए हमें ही एक कदम आगे रखना होगा। सतीश और रमेश को इस काम में दिलचस्पी है, उसी वजह से हम लोग यहाँ हैं। इस तरह की चीजों में मेरे भाइयों को मत घसीटो। गाँव में सुधार होना है तो खेती करना बहुत जरूरी है। आपकी जरूरत के लिए बहुत सारी खाली जमीनें पड़ी हैं, इसके लिए गरीब के पेटों पर लात क्यों मार रहे हो? अंग्रेजों को साहब बोलकर उनके सामने सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं, समझ गए? आपका और आपके भाइयों का भला हो जाए ये सोचकर समझा रहा हूँ। इस तरह खेती की जमीन के फिक्र में इतने बड़े मौके को ठुकरा रहे हो, अंधविश्वास की भी हद होती है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, भले ही मुझे कम जानकारी है पर मैं अंधा नहीं हूँ। दो वक्त का खाना खाकर काम कर जो अपने घर में शांति से रह रहा है, उनके पेट पर लात मार कर हमारे गांव के भलाई के बारे में जो तुम लोग मिलकर दिखावा कर रहे हो ना, वो बिल्कुल गलत है। अरे साले साहब, थोड़ा इज्जत देकर बात करो। इज्जत से बात इज्जतदार लोगों के साथ की जाती है। रहने दो, मेरे मुँह से इससे पहले कुछ और निकले इन लोगों को लेकर जाओ यहाँ से। साले साहब, उस घर को हटाने के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। नहीं, वो क्या है ना, मैं फिर भी तुम्हें इतना गुस्से में नहीं बात करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए था? उन लोग वहाँ पर घर उजाड़ कर वहाँ पर होटल बनाना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? ऊपर से बोल रहा है गरीबों को हटाकर वहाँ पर रोड बनाएगा, और तो और वहाँ की जमीन निकालने की बात कर रहे हैं। इस तरह का पैसा कमाकर आखिर वो लोग जाएंगे कहाँ? हाँ, इस पैसों का क्या करेंगे? जमीन को बेचना कितना बड़ा पाप है माँ। अब सरकार भी खुद के चावल को विदेशों में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है, समझ गई कि नहीं? अरे माँ, यहाँ चावल खाने को नहीं मिल रहा है, बाहर से मंगाने की नौबत में है। यहाँ की भिंडी और करेला खाने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है, और तुम्हारे स्टेट से लेकर आने की जरूरत क्या थी बेवकूफ? हमारी बात को छोड़ो बड़ी मालकिन, मैं तो बस ऐसे ही बोला था। नंदू और राजेंद्रन ने जो बोला है उसे जाने दो, उन्हें जितना पैसा मिले उनका मन नहीं भरेगा। पर हमारे रमेश और सतीश को क्या हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा। वो लोग भी ऐसा ही कुछ बिजनेस करने के लिए सोच रहे होंगे। नहीं, जो बिजनेस चल रहा है उसे चलने तो काफी है, ज्यादा लालच से केवल मुसीबत ही बढ़ती है, बाद में हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तुम जरा जाकर उनको अच्छे से समझाओ। कहाँ है वो लोग? खाना खाकर सो गए क्या? कोई भी अभी तक आया नहीं। वो तुम्हारे जीजा जी के लोग है ना, अपनी बीवी के साथ निकले थे, वो लोग वहीं से निकल गए। तुम इंतजार मत करना, होटल से ही खाना खाकर आएंगे, ऐसा बोलकर गए थे। होटल का खाना आजकल का फैशन बन गया है माँ, भगवान ही बचाए। चलो दाहिने पैर को आगे करके झुककर हाथ घुमाओ ऐसे, अब बाएं पैर को आगे करके, अब सर घुमाओ, रुको रुको, गंभीरता से हिम्मत से फाइट करो, धरती से धूल उड़नी चाहिए, देखकर जोश आना चाहिए। मैंने जो सिखाया है वो ठीक से कर रहे हो क्या तुम लोग? क्या अच्छे से सीखा नहीं? नहीं गुरुजी, हमने दिखाया ना। हाँ तुमने बहुत कला दिखाई है, काफी हुआ, सब नाम के लिए कर रहे हो बस। हाँ करो करो। हाँ आप क्या बोल रहे थे गुरुजी? आप पीछे नहीं? अरे पीछे हटने से मार लगेगा ना। बात नहीं कर रहे गुरुजी, वो बड़े दमाद जी। हाँ अच्छा, वो जमीन हटाने का मामला। हाँ वही, अभी तुम लोगों ने जो बोला है वो मेरे बोलने से माधवन मेरी बात सुनेगा क्या? सुनेगा, वो आपका ही सिखाया हुआ शिष्य है ना, तो आपकी सुनेगा। हाँ ये तो सही बात है, इन बच्चों के जैसा नहीं है,
मेरे शिष्य में गुरु भक्ति रखने वाला माधवन, लेकिन ये तो उसका पारिवारिक मामला है ना। सतीश और रमेश को भी बुलाकर एक बार बात करना ठीक रहेगा ना। उन लोगों ने ही कहा था, इसीलिए हम लोग आए हैं। इस गांव में कोई है तो आप ही हैं जो उसे समझा सके। वो है के गुरुजी, ऐसा उनका कहना है। भले ही मैं गांव के पंचायत का मेंबर हो सकता हूं, पर गांव के सुधार में मेरा ही दामाद रुकावट बनकर खड़ा हो जाएगा तो कैसे चलेगा। अगर ये मामला अच्छे से जम गया तो गुरुजी आपका भी एक शेयर पक्का। ऐसा है क्या? हमने बोल दिया ना। तो फिर कितना मिलेगा? उसमें से मिलने वाले हिस्से में 1% हम आपको देंगे, क्या बोलते हैं? तो फिर ये अच्छी कमाई होने वाला बिजनेस है, सही कहा ना? हमारे अलावा और कौन है यहाँ? और एक आदमी है, उसमें कोई तकलीफ है क्या? कौन है? माधवन। गुरुजी। हाँ, जो कुश्ती सिखाने वाला गुरुजी, मैं खुद बोल रहा हूँ। आप लोग क्या समझ रहे हो? माधवन को समझा कर नाजायज फायदा उठाकर उसको इस तरह के काम में घसीट कर छोड़ने के लिए? हाँ, आप लोग मुझे खरीदने के लिए सोच रहे हो। तुमको पता था इस बुड्ढे से काम नहीं होगा? बुड्ढा होगा तेरा बाप, ये काम नहीं बनने वाला है। जाओ यहाँ से, ये भी एक नंबर का बेवकूफ है। पंगा मत लो, गुरुजी को गुस्सा आ जाएगा। चलो चलते। तुम लोग भैंस को चारा खिलाने के लायक हो, बड़े आदमी जैसे दिखावे कर रहे हैं। करो करो तुम लोग, अरे करो करो तुम लोग अच्छे से, हाथ घुमा के। हाँ, कोई भी गलती नहीं। अब तक उस आदमी को हमने मना लिया होता, उस आदमी को जो भी चाहिए हम उसे दे देंगे। हमने सतीश को अपनी तरफ से ऑफर दिया था ना, अगर वो तब भी नहीं मान रहा तो हम क्या कर सकते हैं? समझौते के लिए भी तैयार नहीं है वो। उस आदमी को लेकर हम उसे समझाने के लिए गए तो वो और भी काम को बिगाड़ देगा, ऐसा मुझे लग रहा है। उसकी शादी भी नहीं हुई है, फिर भी वो इस तरह जमीन को पकड़ कर रो रहा है। उसके लिए माधवन के ऊपर गुनाह ठहराकर कोई फायदा नहीं। आज जो मिल रहा है उसका फायदा नहीं उठा रहे हैं, ये कमजोरी है। कमजोरी की बात नहीं है, वो हमारा बड़ा भाई है, हम उस पर हाथ नहीं उठा सकते। पार्टीशन हिस्सा बंटवारा करने के लिए हम एक रास्ता निकालते हैं, क्या बोलते हो सर? यस, वैसे कुछ भी हो तुम लोगों को हमारे साथ खड़ा रहना होगा, गारंटी देना होगा। अब हम लोग हैं साथ में। सही है, अगर काम बन रहा है बोला तो हम लोग आप लोगों के साथ हैं। तो फिर एक पैग और। मेरे साले लोग भी ना फावड़ा पता है कैसे चलाते हैं, ऐसे चला के ऐसे खींचते हैं, पर उन्हें क्या बोलूं मैं। किसानों की जिंदगी में सुधार होगा ऐसा उनका कहना है, उनका ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, रिश्तेदारों की ना समझ से रिश्तों में दरार पड़ जाती है, ऐसा एक किसी महान इंसान ने कहा है। हमारी बातें समझ में नहीं आ रही। जिसके पास बुद्धि होती है वो बेवकूफ से दोस्ती नहीं करते। उन लोगों ने छेड़ने के लिए जरूर तुम्हारे पास भेजा होगा। हाँ, एक तो मेरे समझ में आने जैसा, या फिर मेरे कलरी स्कूल के बाहर मेरी तरफ करने वाले केवल 4-5 शिष्य ही हैं मेरे पास। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, बच्चे का क्या कसूर? माधवन भाई, माधवन भाई, माधवन भाई। हाँ, मैल चिल्लाते हुए आ रहा है, लगता है तुम्हारा कोई काम बिगड़ने वाला है। भाई, हमारी उस जमीन में कोई जंजीर लगाकर माप ले रहा है। खेत में कोई सीने पे बैठकर मार रहा है क्या? सीने में नहीं, जंजीर। अच्छा, हमारी जमीन पर भला कौन माप ले रहा है? पता नहीं भाई, जल्दी आइए। भाई चलिए, जल्दी चलिए, जल्दी करिए जल्दी। hey, कौन हो तुम लोग, क्या करो यहाँ पर? दिखाई नहीं दे रहा, हम जमीन माप रहे हैं। पर क्यों, किसकी इजाजत से? रमेश और सतीश के बोलने से ही हम माप ले रहे हैं। यहाँ झगड़ा शुरू मत करो, साइड में हो जाओ। मेरी जमीन पर खड़े हो, मुझे ही हटा रहे हो? तुम्हें कुछ जानना या पूछना है तो वहाँ जाकर उनसे पूछ लो। किसी से पूछने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। दादागिरी मत करो, अपना खंबा और जंजी लेकर निकलो यहाँ से, समझ गए? हाँ, निकलो निकलो निकलो, जगह खाली करो तुम लोग। अरे बाप रे। Oh!
तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। हे, क्या बात है? कुछ भी बोलो, उन लोगों को मारना ठीक नहीं है। जिस जमीन पर हमने खून पसीना बहाया उस जमीन से वो लोग हमें हटाने के लिए बोल रहे थे। अगर बोल दिया तो मारने के लिए निकल जाओगे। उसी ने पहले माधवन भाई को मारा था। मारा यहाँ क्या काम है, बाहर जाओ। हमसे पूछकर माफ लेने ही आए हैं, ऐसा बोला था ना? उन लोगों को मारना और हमको मारना एक ही बात है। इस घर में कब से हमारा तुम्हारा हो गया, मुझे पता है ये सब किसका खेल है। बड़े लोगों का नाम लेकर सीना तान कर चलने वाले लोगों को मैं अच्छे से जानता हूँ। वो गरीबों का खून चूसने वाले एक नंबर के भेड़िए हैं। हमें मिटाने के लिए ही वो एक साथ मिले हैं। इंसान को परखने के लिए भाई आप हमें मत सिखाइए। अपना काम निकालने के लिए अगर कोई दो आंसू की बूंदे बहा दे तो उसका भरोसा कर लेते हो। सतीश तुम चुप रहो माँ, आप हमेशा अपनी मनमानी के हिसाब से चलती रहती हो। ये कुछ भी करे कोई इनसे कुछ बोलता भी नहीं है। उस दिन उन लोगों के सामने जब नंदू को बेइज्जत कर रहे थे तब भी मैंने सोचा था कि अब आगे से इस चौखट पर पैर नहीं रखना है, लेकिन इसमें मेरा भी हक है। किस लिए ऐसे सबको एक साथ सर पे बिठाकर घूम रहे हो? बंटवारा करके सबको हिस्सा दे देना चाहिए। दान धर्म ही करना है तो अपनी जमीन में से दे दो ना, हमारे एक की जमीन क्यों देते हो? नहीं, आगे तुम एक शब्द भी मत बोलना। वो लोग जो मांग रहे हैं इसमें गलत क्या है? बड़े बुद्धिमान जैसा हूँ ऐसा सबको क्यों अपने सर पर लेकर घूम रहे हो? माँ ये, हाँ ये माँ ही बोल रही है। अभी मेरी बात को सुनकर हैरान मत हो। कुछ दिनों से ही ये बात तुमसे बोलने की मैं सोचकर दिल में दबा कर जी रही हूँ। जिनको जो जो देना है बंटवारा करके दे दो और तुम यहाँ से कहीं चले जाओ। मुझे थोड़ा तो चैन दे दो। मैं जा रहा हूँ पिताजी, जब हमारे अपने भाई बहन ही इस जायदाद के लिए मुंह फेर रहे हैं तो ऐसी जायदाद का मैं क्या करूंगा पिताजी? ये सब उन्हें लेने दो, आखिर हम सबका खून का ही रिश्ता है। इसलिए मैं जा रहा हूँ। मैं यहाँ हूँ तो माँ के मन को शांति नहीं मिल रही, उन्होंने बोला है तो मुझे जाना होगा। भाई आप कहाँ जा रहे हो? मैं पलनी जा रहा हूँ। मुर्गन भगवान का अच्छे से ख्याल रखना, उनकी दिल से प्रार्थना करना। नहीं, आपके चेहरे को देखने से आप बहुत दुखी होकर जा रहे हो ऐसा लग रहा है। मुझे तो किसी संकट का साया नजर आ रहा है। मुझे कोई दुख नहीं है, बस कुछ दिनों के लिए मैं कहीं दूर रहना चाहता हूँ, इतनी सी बात है। मैं जानता हूँ यहाँ की परेशानी, मैं भी भाई आपके साथ ही आऊंगा। तुम यहीं पर रहो, उन्हें अकेला छोड़कर मेरे साथ मत आओ। तुम्हें पता है ना पूरा काम मां नहीं कर सकती। नहीं, मैं भी आऊंगा। जिसका कोई नहीं है ऐसे अनाथ को आपने सहारा दिया। मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं अनाथ हूँ, कभी नहीं। सबकी नजर में आप माधवन हो सकते हो लेकिन मेरी नजर में आप मुर्गन भगवान हो। जहाँ आप रहोगे वहाँ मैं भी रहूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा भाई। मैं तुम्हें साथ लेकर जा सकता हूँ पर मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ वहाँ पर कोई भी आए, इसीलिए तुमको यहीं पर रहना होगा। तुम जाओ, माँ अगर पूछेगी तो कह देना कि मैं पलने गया हूँ। रुको गाड़ी रुको। माधवन, अरे ये क्या सर आप? पुरानी आदत अभी तक गई नहीं तुम्हारी? मैं कैसे भूल सकता हूँ, जब छोटा था तो पिताजी का हाथ पकड़कर आया करता था। कब आए हो? मैं बस अभी आया। इस बार गांव से कोई और नहीं आया क्या सर मुंडवाने के लिए? नहीं मैं अकेला ही आया हूँ, आप भी अभी आए क्या? हाँ। वैसे माधवन कहाँ रुके हो? यहाँ एक पुराना लॉज है वेल मुर्गन। अरे वाह, तो फिर चलो बैठो।
लाइफ इज लाइक एन मिरर, वी गेट द बेस्ट रिसर्च व्हेन वी स्माइल एट इट इन द नेचुरल। मैं कुछ समझा नहीं। जिंदगी एक आईने की तरह है माधवन, उसे देखकर हमें जीना चाहिए। हम हंसेंगे तो वो भी हमें देखकर हंसेगा। सर आप तो जानते ही हैं, मैं कुछ दिनों से हंसा ही नहीं क्योंकि परिस्थिति। इसमें सब भगवान की ही इच्छा है। देखो ऐसे में सबको छोड़कर जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें ये नहीं चाहिए ऐसा सोचने से भी जो किस्मत में होता है वो चाहकर भी हम उसे नहीं बदल सकते हैं। ना चाहते हुए भी जो मिलने वाला है वो मिलेगा ही। हम किसके लिए जी रहे हैं? मेरी खुद की माँ ने मुझे दूर जाने के लिए कह दिया, फिर किसके लिए जीऊं? उन्हें छोड़कर आने का मेरा दिल नहीं था। अरे ये क्या है, मेरे दुख को देखकर हंसी मजाक से त्रिपुरल पंक्ति बोलकर हौसला देने वाला माधवन है तू। ऐ ऐसे अपने दिल को छोटा करोगे तो? ऐसा कुछ नहीं है, डर को पीछे छोड़कर आया हूँ इसीलिए दुख थोड़ा कम हो गया है, और आपसे खुलकर बात करने के बाद दिल को शांति मिली। चलो तुम जानते हो क्या, तुम्हारे जैसा लड़का मुझे चाहिए था, ऐसी इच्छा थी मेरी। हाँ वैसे तुम्हारे पिताजी बहुत खुशकिस्मत थे। कल तुम्हें भी मेरे साथ में आना है काउंटर से मिलने के लिए। कल पैसा मिलेगा इसकी गारंटी है क्या? हाँ गारंटी है, काउंटर ने आखिरी मोहलत दिया है ना। बेटी की सगाई तय हो गई, इस बात को भी बोला हूँ मैं। दो दिन पहले ही वो आदमी मंदिर में परिवार के साथ आ जाएगा। प्रार्थना की है। मेरे लिए प्रार्थना की या नहीं? हाँ ये सवाल करना जरूरी है क्या? तुम्हारे लिए भी प्रार्थना किया है। कहाँ जाकर मिलना है? वो आदमी बगल में ही है, आदमी जुबान का पक्का है, लेकिन काउंटर की बात सुनकर मैंने मना कर दिया। काम के बन जाने के बाद सूचित करो, ऐसा लड़के के पिताजी ने कहा था, लेकिन किसी तरह की जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए ऐसा सोच रहा हूँ। आजकल के बच्चे लोग ऐसे ही होते हैं। सच कहूँ तो ये दहेज के मामले में वो काफी नाराज हैं। मेरे जबरदस्ती की वजह से ही वो मान गई है। किसी की रहम और दया दिखाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं, स्वाभिमानी है वो। अपना स्वाभिमान बहुत अहम होता है। सर आपका क्वार्टर लाकर रूम पर रखा हूँ। हाँ सर ठीक है। वो अकेला हूँ ना, थोड़ा ठंड भी है तो हाथ पैर के ठंड को भगाने के लिए एक दो पैक। ठीक है सर कोई बात नहीं। मिलते हैं फिर। ठीक है। मुझे अकेले छोड़कर चले गए, वादा निभाने को नहीं हुआ, उसके लिए अपनी जान गवा कर चले गए। हे भगवान। मैं अब क्या करूंगा माधवन, अपनी बेटी को कैसे चेहरा दिखाऊंगा, और उन गांव वालों को मैं क्या जवाब दूंगा? जो कुछ सोचा था सब मिट्टी में मिल गया। जो चिता जलने वाली है वो सिर्फ काउंटर की नहीं, काउंटर के साथ साथ मेरी भी मौत हो गई। अब मैं क्या करूं? मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है माधवन। सर आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे रोको मत, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे पीने दो। मैं नहीं पीने दूंगा, मुझे पीकर बेहोश होना है। अरे छोड़ो माधवन सर, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी। सर मेरी माधवन, मेरी बात सुनो, छोड़िए। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? तुम जाओ यहाँ से। हाँ बोला ना, छोड़िए सर। माधवन आपको क्या लगता है इसे पीने से आपका दर्द खत्म हो जाएगा?
तो पी लीजिए। सर आपकी परेशानी क्या है? कि आपकी बेटी की शादी हो जाए, बस इतना ही ना, वो हो जाएगी। माधवन? हाँ, ये आपका माधवन ही बोल रहा है। आपको कितने पैसों की जरूरत है बोलिए ना। नहीं माधवन, मैंने पहले ही शादी के लिए बहुत सारा उधार ले लिया है। आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं। फिर आपको जो पैसा मिलने वाला था समझिए मिल गया। ठीक है, लेकिन वैसी बात नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन कुछ नहीं, अगर आपका मन है तो थोड़ा सा पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। कल मिलते हैं। माधवन, थोड़ा सा पीने के लिए बोला तो आपने इतना पी लिया, ये क्या है सर? माधवन, मेरी इज्जत बचाने की बात किया ना तूने, तू मेरा बेटा है यार, इसीलिए मुझे तुझसे बहुत बातें करनी है। हम सारी बातें कल करेंगे सर। नहीं 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 नहीं, सिर्फ मेरी बेटी की ही बात नहीं, मेरी बीवी से भी नहीं बोला है, तुम भी नहीं जानते हो, ऐसे बहुत सारे मामले हैं, वो मुझे बोलना है। सर सुनिए, तुमसे सब कुछ बोलना है। हम सारी बातें कल भी कर सकते हैं, रात हो गई, आप जाकर सो जाइए। तो मेरा बेटा है, तुमने मेरी इज्जत बचाई है, तेरी हर बात मानूंगा मैं। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी बात सुनिए, आप जाके सो जाइए। संभाल के। ये आदमी था क्या? हाँ सर। क्या बात है सर? तेरा नाम माधवन है क्या? हाँ सर। तामिल है? नहीं सर, मलयाली हूँ। मेरे साथ चलो, चल। ये शर्ट बाद में पहनना, अभी चल। अरे चल। ए, तुम लोग सही से खड़े हो? हाँ, इस आदमी को तुम जानते हो क्या? मास्टर जी, अंदर नहीं जाना। इस आदमी को और तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ था? झगड़ा नहीं सर, ये मेरे पिताजी के बराबर। पिताजी के बराबर? अन्ना, दुराई बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजो, तुम मेरे साथ आओ। इसलिए सर? सवाल कर रहे हो, चलो स्टेशन। चोरी करोगे? सर सर, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मेरा भरोसा कीजिए, मैंने उन्हें नहीं मारा। चुप कर रामखोर, तेरे जैसे गुंडों को मैंने बहुत ठीक किया है। ये शक्ति वेल, शक्ति वेल, जानते हो क्या? लुक्खे कहीं के। सर मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मेरा भरोसा कीजिए। भरोसा करता हूँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने दो, बाद में तुम पे भरोसा करना है या नहीं इसका फैसला लेता हूँ। सेंदिल, इसको अच्छे से संभालना, क्या देख रहा है? चल अंदर, चल, पड़ा रहे अंदर, मेरे सामने ही नाटक करता है। हा? माँ, माँ, बेटा, बेटा, बेटा।
बेटा बेटा क्या हुआ माँ? मेरा बेटा किसी खतरे में है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो बार बार मुझे ये सपना क्यों आता? क्या सपना देखा? मुझे ऐसा लगता है मेरे बेटे के ऊपर कोई हमला कर रहा है। बेवजह हर वक्त उसके बारे में सोचती रहती हो ना, उसकी वजह से। अभी तक आया नहीं वो, ऐसे कैसे कहाँ चला गया है? हम बाहर जाकर ढूंढ कर देखते हैं। भाई कोई छोटे बच्चे थोड़े, पहली बार ही थोड़े बाहर गए हैं, उनका घमंड टूटने के बाद वो अपने आप आ जाएंगे। माँ चुपचाप सो जाइए। भगवान मेरे बेटे की रक्षा करो। सर उसे लेकर आओ। सर हाँ, नाश्ता किया क्या? पुलिस ऐसी ही होती है, जिस पर शक है उसे कस्टडी में लेकर सवाल करना ही पड़ता है। ये हमारी ड्यूटी है। अगर निर्दोष है ऐसा पता चलने के बाद माफी भी मांगूंगा, यही शक्तिवेल है। वो जो बुजुर्ग मर गया वो हार्ट अटैक की वजह से मरा है, ऐसा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कंफर्म हुआ। तुम अब जा सकते हो। सर वो मेनन सर की बॉडी। अरे वो बॉडी वॉडी लेकर उनके रिश्तेदार कब के चले गए? उर्मंगलम उर्मंगलम, चलो चलो जल्दी चलो, उतरो उतरो। ये जो कपड़े हैं, कपड़े कितने दे दिए? नहीं नहीं नहीं, परेशान कर। हाँ सही से नापना भाई, सही से देखो, कुछ छोटी ना हो। ये रेलवे स्टेशन के मास्टर विश्वनाथ जी का घर कहाँ पर है? उनकी लाश का जो क्रियाकर्म होना था वो सब हो गया है। मैं पलनी से आया हूँ। अरे जब्बार, अपने जो मेनन मास्टर मर गए हैं उनका कोई मेहमान आया है। क्या कहा, मेहमान? आप पल्ली से आए हो? हाँ। अच्छा पल्ली में किस जगह से आए हो? आप मलयालम में बात कर सकते हैं, मैं समझ लूंगा। मतलब तुम मलयालम जानते हो? मलयालम भी और तमिल भी जानता हूँ। अच्छा तो मेनन मास्टर के दोस्त हो तुम, तो चलो आओ बैठ जाओ। हाँ। नहीं मैं यहाँ बैठ गया हूँ, आप यहाँ बैठिए। हाँ। मैं आगे बैठता हूँ, आप पीछे बैठिए। मैं कहीं भी बैठ जाता हूँ। पहले ही किक में स्टार्ट हो गया ऑटो। अभी तुम बाहर आने वाले हो या नहीं? तुम लोग इस तरह तमाशा देखते खड़े मत रहो। तुम लोगों में से कोई अंदर जाओ और उस बुड्ढी को बाहर आने के लिए बोलो। क्या है, तुम लोगों में से किसी के बोलने से वो बात नहीं मानेगी क्या? तुम लोग इज्जतदार लोग हो, बाद में मत बोलना कि जॉर्ज घर में घुसकर शोर मचा रहा है, ऐसी शिकायत मत करना। बेटी तुम कहीं मत जाना। तो क्या करूं? वो मनमानी करता रहेगा और हम सुनते रहें? वो कोई हमारा सरकार और हम उसके गुलाम नहीं है। कृष्णवरिया मास्टर को आने दो, हिसाब के बारे में बात कर लेंगे। क्या बात है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है? तुम लोग बुला रहे हो या हम उसे बाहर निकालें? मास्टर का कोई रिश्तेदार उनको बुलाने गया है ना? अच्छा उनकी छोटी बेटी गई है क्या? आने दो। साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। यहाँ क्या हो रहा है, तुम्हारी परेशानी क्या है जॉर्ज? परेशानी क्या है, तुम मास्टर को जानते हो? इस जॉर्ज को जो पैसा मिलना है उसका फैसला आज ही हो जाना चाहिए, यही मेरी परेशानी है। आज देता हूँ, कल देता हूँ, पल्ली से काउंटर से पैसा दे देंगे तब देता हूँ। जिसने बोला वो तो चला गया, अब मैं क्या करूँ? अभी अभी उनका इंतकाल हुआ है, ऐसी परिस्थिति में जिस घर में मर्द नहीं है वहाँ आकर के शोर मचा रहे हो तुम। मास्टर जी आप बेकार की बातें मत करो। चिता जलाने के बाद हम मिलकर फैसला करेंगे, ऐसा आप बोले थे। नहीं तो मेरे कर्ज का फैसला लिए बिना बॉडी को ले जाने नहीं देता मैं। एक या दो रुपया नहीं, कई बार थोड़ा थोड़ा लेकर ब्याज मूलधन के साथ कुल मिलाकर 6.5 लाख रुपए हो गए हैं, जानते हो? हम लोग आपसे मांगने नहीं आए थे, जब पैसों की जरूरत पड़ती थी तब आप खुद सामने से आकर देते थे, और जब आपको जरूरत पड़ी थी तब पिताजी ने खुद आपकी मदद की थी। इस हाल में इन लोगों को हम पर जरा भी दया नहीं आ रही है, आकर नाटक कर रहे हैं। सुनो बच्ची, तुम्हारे घर रिश्ता जोड़ने के लिए मैंने पैसा नहीं दिया। जॉर्ज अच्छे से सुन लो, इस तरह लेन देन के बारे में जो बात है इस बारे में नहीं जानते। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, स्टैंप लगाकर दस्तखत भी किया है और इस घर का पेपर मेरे पास है, चाहे तो मैं दिखाता हूँ। विश्वास नहीं है, ऐसा नहीं बोला। अगर मेरे पिताजी ने कर्ज लिया है तो उसे हम चुकाएंगे, लेकिन इस तरह आप हमें धमकी मत दो। ठीक है नहीं करेंगे। मेरे पैसे कहाँ से देंगी आप? प्राइमरी स्कूल से जो फंड मिलता है उससे लेकर चुकाएंगी क्या?
या फिर पैसा कमाने के लिए कोई और धंधा शुरू कर दिया। देखो अपनी जबान संभाल कर बात करो, नहीं तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 6.5 लाख रुपए कैसे देंगी ये बताओ। देखो इन गांव वालों के सामने तुम मुझे एक जबान दे दो, और तुम घर वाले मिलकर धोखा देने का मत सोचना। हाँ ऐसा करोगे तो तुम्हारा ही बुरा होगा। कब दोगी? क्या हुआ, शब्द नहीं निकल रहा क्या? हाँ? अरे देखो देखो अब फोन आया। हे भगवान, यहाँ तो पूरे गांव वाले एक साथ खड़े हैं। यहाँ पर जब देखो तब कोई ना कोई लफड़ा होता रहता है। ये लो पल्ली से तुम्हारे मेनन मास्टर के दोस्त आए हैं। आपको अभी आना चाहिए था। आप अगर वक्त पर पैसे दे देते तो आज वो आदमी जिंदा होता, बेमौत मारा नहीं जाता, हमें इस तरह बेइज्जत होने की परिस्थिति भी नहीं आती। वो क्या है कि मैं, अरे अभी आ गया ना, भगवान ने तुम्हारी मदद की है ऐसा सोचा। आप जो सोच रहे हैं वो आपने नहीं किया है। मैंने ना आपके ऊपर बहुत विश्वास करते थे। काउंटर आपके पैसे मिलने के बाद हर रस्म को पूरा करके मीरा की शादी करना चाहते थे। जॉर्ज अभी शोर मत मचाना। देखो मैनन घर के कागजात को गिरवी रखकर जिसको पैसा देना है वो आदमी ये है, पैसे लेने के लिए झगड़ा करने आया था। कर्ज ना चुका पाने की वजह से गांव वालों के सामने बेइज्जत होकर सर झुकाए खड़े हैं। वैसे आप जो बोल रहे थे वो इस आदमी के दिमाग में ठीक से घुसा नहीं है ऐसा लग रहा है। तमिल में समझाओ। क्या समझाना है, काउंटर बहुत अच्छे मलयाली बोलते हैं। इनका मलयालम नहीं सुना तो क्यों अपना मुंह नहीं खोल रहा है, है? आपको जो पैसा देना है वो मैं दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे थोड़ी और मोहलत चाहिए। मोहलत चाहिए कितने दिन के लिए? मैं गाँव जाकर आता हूँ। ठीक है, तुम वापस नहीं जाओगे तो भी चलेगा। इन सबको घर से निकाल के घर को अपने नाम करवा लूंगा। मैनन सर के परिवार पे मैं किसी भी तरह की मुसीबत नहीं आने दूंगा। नहीं अभी आप कहीं आने जाने की बात मत करो। पिताजी आप पर भरोसा कर यहाँ से गए थे, आपके आने तक मैं इंतजार नहीं कर सकती। पैसा लेने के लिए कहाँ जाना है, मैं भी साथ चलूंगी। बेटी ये तुम क्या बोल रही हो, ये आदमी वापस आएगा इसकी क्या गारंटी है? देखो मेरी बात मानो, इसके पैसे लौटा दो, इसकी बात में भी एक न्याय है। देखिए ये ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं होगा? वो क्या है कि आप लोग साथ में आएंगे तो ठीक नहीं होगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है तुम जाओगे आओगे मैं नहीं जानता, मुझे मेरा पैसा चाहिए। मैं आपका पैसा चुकाने के बाद ही यहाँ से जाऊंगा। विश्वास नहीं हो रहा है क्या? जॉर्ज के पास विश्वास की कोई कमी नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता, लेकिन उसके बाद मुझसे ना होगा काउंटर भाई। आप इस तरह की जिद मत कीजिए जॉर्ज भाई, अगर ज्यादा हुआ तो ब्याज मिला कर दे दूंगा आपको। ठीक है चलेगा, लेकिन नहीं दिया तो फिर मिलते हैं। गाड़ी निकालो, अभी आगे पूरा पैसा चुकाने तक सब लोग अपने घर में जाइए जाइए। देखा, नरसिम्हा फिल्म में लाल भाई और तिलक भाई के सामने ममूटी को जैसे लाकर खड़ा किया था, उसी तरह से सही वक्त पे काउंटर को लाकर पहुंचाया ना, इसे कहते हैं जब्बार। अगर आपको इनाम देगा तो जब्बार छोड़ेगा नहीं। सही वक्त पर पैसा नहीं देगा तो इसको कैसे इनाम देना है ये मैं जानती हूँ। काउंटर जी धोखा मत दो, 20 रुपीज दो। थैंक यू। अंदर चलकर बैठते हैं। आइए। हे भगवान। जय हो जय हो। उस आदमी को इस घर में रखने की क्या जरूरत थी? हमारे घर में मेहमान आया है, तुम्हें ऐसा बोलना चाहिए क्या? वो किस लिए आया है ये कौन जानता है? ऐसे ही किसी अनजान इंसान से तुम्हारे पिताजी दोस्ती करेंगे ऐसा तुम लोगों को लग रहा है क्या? मैनन सर के परिवार को इस तरह दुख में देखा नहीं जा रहा है। उसने ऐसा बोला तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। माँ आप भी ना पैसा देता हूँ बोलकर धोखा देने वाले आदमी पर भरोसा कर रही हो। धोखा देने वाला आदमी होता तो इतना दूर आता क्या? वो इस पूरे कर्ज को कोई चुका पाएगा क्या? वैसे हम जो खाना खाते हैं ये खाना काउंटर खाएगा क्या? और क्या है, घर में एक आदमी होने पर उसे भूखा रखकर हम कैसे? उसे अगर चाहिए तो कहीं भी जाकर खा ले। बाप रे वो कैसे हो सकता है बेटी? ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, उस आदमी से ज्यादा हमदर्दी मत दिखाओ।
पैसा देने तक हमने उसे किराए पर रखा है, ऐसा सोच लो। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हे भगवान, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कहते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मीरा बेटा, मीरा जरा इधर आओ, इधर आओ। क्या बात है माँ? जरा उस माधवन को देखो। ए, तुम क्यों गाय का दूध निकाल रहे हो? इस बर्तन को देखते ही लगा कि इसमें दूध निकाला जाता होगा, इसीलिए मैंने इसमें दूध निकाला है कि नहीं? सच कहूँ तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। क्या लग रहा है? नहीं, एक अनजान आदमी को देखकर लात मारने वाली गाय है वो, लेकिन ये तो हाँ। जिसके पास प्रभु की महिमा हो वो अंधेरे में भी उजाला कर सकता है। इंसान होने के नाते किसी भी जीवित प्राणी को प्यार दिखाएं इतना ही काफी है। हम जो भी बोलते हैं वो सुनते हैं। वैसे नाम क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या कहकर बुलाऊं? भारती नाम है। लगता है भारती की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उसने कम दूध दिया है। अरे भारती मेरा नाम है। अरे बाप रे, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे लगा भारती गाय का नाम है। उसका नाम अम्मू कुट्टी है। अम्मू कुट्टी की तबीयत थोड़ी खराब है, और इसकी वजह है कि कोई अपना मलमूत्र बर्दाश्त कर सकता है क्या? किसी को पसंद आता है क्या? नहीं, हमें ही नहीं जानवरों को भी नहीं पसंद आता। घर में लड़कियों के रहने का क्या फायदा फिर? आंगन में इस तरह का मलमूत्र पड़ा रहेगा तो इसका दोष इंसान और गाय को दोनों को लगेगा। इसीलिए अम्मू कुट्टी के तबेले को सही से साफ करना चाहिए। वैसे अभी अभी जो मैंने कहा वो बात आप तो समझ ही गई होंगी, है ना? ये काउंटर है या दूध निकालने वाला? सुनो जरा रुको। हाँ। वैसे तुम दूध निकालने और तबेला साफ करने आए हो यहाँ? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पैसे देने के बारे में सोचो। हे मुर्गन भगवान। हर हरो हर हरा। माँ माँ, मैं जा रही हूँ। मीरा जी, पारुल कॉलेज जा रही हैं क्या? नहीं, कोड़े कनाल जा रही हूँ। ऐसे गुस्सा मत कीजिए, एक बात बोलने आया था। क्या है? ये लीजिए। ये क्या है? ये एक लेटर है। आपको तो मानना पड़ेगा, इसी बात को दिल में रखकर तुम यहाँ से नहीं जाओगे, है ना? यही बात है ना? लेकिन इस मीरा के पास ये खेल नहीं चलेगा, मुझे तुम ठीक से जानते नहीं हो। रुको रुको, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम टाउन जा रही थी इसलिए पोस्ट करने के लिए कह रहा था। पैसे का मामला सॉल्व करने के लिए ये लेटर मैंने अपने दोस्त को लिखा था। लड़कियों को शक नहीं करना चाहिए, जहाँ मर्द होते हैं वहाँ तो बिल्कुल नहीं। मदद करने वाले का गला दबाना तो स्वभाव में है, लड़कियाँ हमेशा ऐसी ही होती हैं। अरे बिना वजह जाने मैंने कुछ भी बोल दिया, उस वजह से मेरे ऊपर ज्यादा इल्जाम मत लगाओ। लाओ मैं पोस्ट कर दूंगी, पैसे के लिए है ना, पैसों की जरूरत हमें भी है। नहीं, इसे पोस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, जुबान दिया है तो उसे मैं पूरा करके ही रहूंगा। क्या परेशानी है? परेशानी क्या नहीं है ये पूछिए, इसे पहली बार देखा है। मैनन सर ने अपनी बेटी के बारे में मुझे पहले ही बताया था, लेकिन ये ऐसी मुझे पता नहीं था, इसमें बुद्धि नहीं है। इस तरह वो हरकत सिर्फ बाहर दिखाती है, लेकिन अंदर से बहुत नरम है बेचारी। हाँ, क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं माँ जी, मेरी माँ मुझे भी ऐसे ही बोलती है। हैं? ये क्या, तुम्हें बचपन में जैसा देखा था वैसा आज नहीं हो? अरे मोहन भाई आप, मुझे तो लगा सर्कस से भागा हुआ कोई जोकर है। इसका मतलब तुम्हारा शरीर ही नहीं, तुम्हारी जुबान भी लंबी हो गई है। ये गाड़ी कहाँ से लाए हो? इसे तो लाल भाई ने कितने सिनेमा में इस्तेमाल किया हुआ है, देखने से मेरे दिल को छू लिया। मोहन कुट्टी का कभी किसी के ऊपर दिल आ गया तो समझो मेरी है। बेटी अरे बाप रे, ये कौन है, मोहन कुट्टी है क्या? अरे मोहन तुम रो क्यों रहे हो? कुछ भी हो, जब मामा मर गए थे मुझे एक मिस कॉल भी करने का आपका दिल नहीं किया। ये सब अचानक हो गया मोहन, बताए तो कौन से नंबर पे, एक नंबर तो तुम रखते नहीं हो। इस एक्टिंग के फील्ड में हमेशा हर बार नंबर बदलते रहते हैं ना, तो कैसे मैं एक ही नंबर रखूंगा? सिनेमा प्रोड्यूसर बनने के लिए कुछ दिनों से घूम ही रहे हो, कुछ बनाया है क्या?
ममूटी और मोहनलाल मेरे फिल्मों में काम करने के लिए हमेशा से ही तैयार हैं। लेकिन एक कहानी भी तो मिलनी चाहिए। कहानी ढूंढने के लिए मैं हैदराबाद तक गया था। वैसे तुम तेलुगु मूवी भी बना रहे हो क्या? अभी अभी तो वापस आ रहा हूँ। आते ही मामा के बारे में सुना, बहुत दुख हुआ। मामा ने शायद पैसों के बारे में नहीं बताया होगा। चिता की आग भी नहीं बुझी और मैं पैसा मांगने आ सकता हूँ क्या? वैसे माँ जी, मीरा कहाँ है? दीदी को आने में 8:30 बज जाएंगे। बाय द वे, यहाँ कोई तो एक पलनी देश का आदमी आकर ठहरा है, ऐसा सुना क्या है मैंने। कि मामा को जो पैसे देने वाला है वही आदमी है वो। मतलब मुझे पास रहना चाहिए तो भी मैं यहाँ पर नहीं रहता हूँ। तो फिर जिसे पैसा देना है उसे यहाँ पर क्यों ठहराने का? जब पैसा मांगने के लिए जॉर्ज यहाँ आकर शोर मचा रहा था ना, उस समय आया था काउंटर हमारी मदद करने के लिए। फिर भी लो आ गया वो। हे भगवान, ये कौन है? मोहन कृष्ण सर जी, आप कब लैंड हुए? शूटिंग कब है? काउंटर का नाम सुनकर मैंने तो सोचा कि कोई बुड्ढा होगा, पर ये तो हट्टा कट्टा शरीर वाला है। हमारे मामा ने तो इसे खुद के बेटे की तरह माना है। ऐसा इसने बोला होगा। वैसे एक जवान लड़की इस घर में रहती है। एक नहीं दो। ठीक है ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पैसा देकर जगह को छोड़ दो, समझे? नहीं तो इस मोहन कृष्ण के फिल्म के बारे में तुम नहीं जानते। पहले घर जाकर अपने पत्नी और बच्चों को देखो मोहन कृष्णन। सब कुछ बर्दाश्त करने वाली पत्नी को तुम छोड़ने की बात कर रहे हो, ये तो धोखा है। सच बोलो, तुम हो कौन? तुम इस तरह मलयालम साफ साफ बोलना कहाँ से सीखा, बताओ? मैं कोई भी हूँ, पर इस चौखट पर तुम्हें कदम नहीं रखना, ऐसा मेनन सर ने बोला था। ओहो, इसका मतलब मामा ने तुमको मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। माँ जी, फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन मामा को मुझे जो पैसा देना है वो नहीं चाहिए, ऐसा मैं सोच रहा था, लेकिन अब तो मैं लेकर ही रहूंगा। कुछ भी हो काउंटर जी, आपको मानना पड़ेगा। CBI फिल्म में सेतु रमन अय्यर की तरह मोहन सर के मुंह के सामने ही अपनी बीवी बच्चे की बात को लेकर उसे हिला कर रख दिया। जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा नहीं है, उस जॉर्ज से भी ज्यादा बेकार है ये तो। माँ जी आप बिल्कुल मत डरिए, सब ठीक हो जाएगा। ये लो। बाय। कुछ भी कहो, काउंटर दिल से अच्छा इंसान लग रहा है। इस मोहन कृष्ण के होते हुए इस गाँव में उस काउंटर का रहना बहुत मुश्किल है। पुलिस मेरी जेब में है, इस सेल से ऐसा एक नंबर लगाऊं ना तो माफिया का पूरा गैंग आ जाएगा। हाँ। ये कौन है माफिया दीदी? सिनेमा में स्टंट मास्टर है। हे भगवान, वो सब नहीं चाहिए मोहन। मोहन सर जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है, ये काउंटर बहुत मासूम इंसान है। ओहो, तो तुम अब उसके आदमी बन गए हो। कोई बात नहीं, बन जाओ, लेकिन मेरी फिल्म की जब शूटिंग होगी तब वहाँ आस पास दिखाई मत देना। माफ कर दो, फिल्मों में एक्टिंग करने की बहुत ख्वाहिश है मेरी, मुझे क्या करना होगा? काउंटर के साथ फ्रेंडशिप को कट करना होगा? लो काट दिया। करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है। वैसे स्टेशन मास्टर विश्वनाथ मेनन का घर कहाँ पर है? वो यहाँ से। शट अप। आप कौन है वैसे? मैं दक्षिण से आया हूँ। दक्षिण बोला तो किस डिस्ट्रिक्ट से आए हो, किस तालुका से? टेल मी। ये सब कुछ पूछने वाले सर आप हैं कौन? अंकल ये मेनन सर के दामाद हैं। मोहन कृष्णन, मेरे सासू जी और दो जवान लड़कियां उस घर में रहती हैं। मैं माधवन का लेटर पढ़ के आया हूँ। माधवन? वो माधवन कौन है? मेरा शिष्य है। आपका शिष्य? हाँ, वैसे उसने इस एड्रेस पे आने के लिए लिखा है, ये लो। तुम्हारे शिष्य माधवन मेरे ससुर के घर के एड्रेस पर आने के लिए लेटर क्यों लिखे? इसीलिए मैं यहाँ आया। तो फिर उस कंडक्टर का नाम माधवन भी हो सकता है क्या? काउंटर ठाकुर, ये सब मैं नहीं जानता हूँ, नंदगांव के माधवन से मिलने आया हूँ मैं। हे भगवान, शायद पैसा लेकर आया होगा। पैसा? कौन सा पैसा? मेरे ससुर को जो पैसा देना था वो सब मैं नहीं जानता हूँ। तो फिर तुमको खत लिखकर किस लिए बुलाया था? वो साफ साफ मलयालम भाषा बोल रहा था, तभी मुझे शक हो रहा था, और शक सही निकला। सच बताओ, अपने नाम को छुपाकर जवान लड़कियों को लुभाकर बॉम्बे दिल्ली में रहने वाले सेक्स रैकेट को बेचकर तस्करी करने वाले गैंग के हो ना? तुम्हारा ही शिष्य है ना वो? ये बेकार की बातें मत करो। बोलना क्या है, मैं तो तुमसे उगलवाऊंगा, तुम दोनों को पुलिस में पकड़वाऊंगा। अरे बोलो, अरे, सच बोलो। अरे नहीं, इस तरह बचपन का खेल मुझे मत सिखाओ। हाथ हटाओ। नहीं हटाऊंगा, क्या करोगे? क्या हो गया है? रास्ते वाली छिपकली को अंदर डाल दिया है। गाड़ी के अंदर बिठाने के लिए नहीं हो रहा था, इसलिए खड़ा ही रखा है। ठीक है, उसे उतार दो। बैठ जी, अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे। तुम्हें कुछ तो परेशानी है, तुम्हें जीना नहीं आता है, ऐसा जब तुम्हारे भाई लोग बोले थे तो मुझे लगा था कि उन्हें कम अक्कल है, लेकिन अब मैं जान गया, उन लोगों ने जो कहा वो सही था।
अपने ही घर को छोड़कर किसी काउंटर के पैसे को चुकाने के लिए यहाँ आकर बैठे हो? मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, वापस घर लौटने का मन नहीं किया। मैं कहाँ जाऊँगा इसी उलझन में खड़ा था, तो फिर मेरा यहाँ आने का मन किया। पर यहाँ आने के बाद तड़प के जो गाँव वालों के सामने खड़े थे उनको देख कर एक माँ और दो जवान लड़कियों को मैंने देखा। उधार तो अलग बात है, लेकिन उधार के नाम पर गांव वालों के सामने अपना सर झुकाकर बेइज्जत होकर खड़े थे शिकार में बन गया। उसी वजह से सबको लगा कि मैं पैसा देने वाला काउंटर हूं, तो सब मुझे उसी नजर से देखने लगे। तो उनको बचाने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता था, और उस परिवार से मुझे लगाव सा हो गया। मेनन सर को मैंने जुबान दी थी कि उनकी बेटी मीरा की शादी में मैं कुछ मदद करूंगा। 10 या 20 हजार का मामला होता तो छोड़ो जाने दो, हम बोल सकते थे। अब उसके कर्ज को चुकाकर उसकी बेटी की शादी करवाने की बात कर रहे हो, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसी वजह से मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। किसी की रहम और मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं है, खास करके उस मीरा की। आजकल के जमाने में भगवान भी किसी की मदद करता है तो उसे माइक लगाकर गांव वालों को ढिंढोरा पीट देता है। तुम्हें समझाने से कोई फायदा नहीं, तुम काउंटर नहीं हो ऐसा बोलने पर वो लोग भरोसा करेंगे क्या? गुरुजी जैसा मैं बोलता हूँ ऐसा करिए, सतीश को समझाने की कोशिश करिए। और एक बार सोच समझ कर बोलो। सोचने वाली कोई बात नहीं है। एक और बात पूछूं क्या? सच बोलना, तुम इस घर की लड़की से कुछ तो? ऐसा कुछ नहीं है। काउंटर जी? हाँ माँ जी। काउंटर जी आपके मामा आने वाले थे, वही मामा है क्या? मामा कौन है? मैंने इनसे बोला था मेरे मामा जी आने वाले हैं। नहीं, शाम से पहले घर वापस जाने का ये सोच कर ही आया था। क्या? ये कह रहे हैं कि शाम होने से पहले ही चले जाएंगे। तो फिर जाने दो। तुमने मुझे यहाँ का मामा बना दिया ना। मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। ये कौन है? अरे जॉर्ज भाई, आप किसकी तलाश में आए हो? किसी को ढूंढ कर ले जाने के लिए। ये नहीं। क्या बात है, झगड़ा करना छोड़ दिया क्या? हम उस सिनेमा वाले मोहन से मिलने आए थे, कहाँ है वो इस समय? हाथ दोनों नीचे आ गया है, लेकिन उसका शरीर काम नहीं कर रहा है। शरीर में और इलाज करना बाकी है। वो इलाज करने के लिए शरीर पर मसाज कर रहा है। तो फिर उसको जो मार लगी है तो उसमें चोट बहुत आई होगी। कमर और पीठ की जगह पर अच्छे से वो आदमी ने बहुत अच्छा मारा है, ऐसा वैद्य कह रहे थे। और एक हफ्ता और इलाज की जरूरत है। देखो आदमी। भगवान भगवान। मोहन कृष्ण। जॉर्ज भाई, अब मैं कैसे मीरा के गले में मंगलसूत्र डालूंगा? हाथ भी नहीं उठा सकता, देखो अब मैं क्या करूँ? रो मत, सब ठीक कर देंगे हम। तुम्हारा ये हाल जिसने भी किया होगा उसका भी हाल हम यही करेंगे। अब मैं ऐसे ही पड़ा रहा तो उसको सबक कैसे सिखाऊंगा? तुम सिर्फ एक शब्द बोलो काफी है। इससे भी बड़े बड़े लोगों को सबक सिखाया है इस जॉर्ज ने। ऐसे ही मैं थोड़े इन लोगों को पाल रखा हूँ। कितना भी पैसा खर्च होने दो, मुझे उसे बदला लेना है। सिर्फ उस आदमी को ही नहीं, उस काउंटर को भी यहाँ से भगाना है। उसके इस धरती पर पैर रखने की वजह से ही ऐसा हुआ है। जरूर उसको सबक सिखाएंगे। उसके यहाँ आने की वजह से ही मेरे मुँह में आने वाला निवाला नीचे गिर गया है। वो जमीन और वो घर मेरे हाथ से निकल जाएगा। ऐसा मुझे डर लग रहा है। एक मौका मिलने दो, उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते को खिला देंगे। तुम हिम्मत रखो। उसका असली नाम माधवन हो सकता है, जो ढूंढने आया था उसका मामा, वो भी इसी नाम से बुला रहा था। मुझे तो शक है वो आदमी काउंटर ही है क्या? क्यों, काउंटर लोगों का माधवन नाम नहीं रख सकते क्या? पिताजी उसे अपना बेटा मान लिए थे, ऐसा मेरा दोस्त बोल रहे थे। देखो बेकार की बातें मत करो। हाँ माँ जी, माँ जी। देखो काउंटर बुला रहा है। अभी अभी बोल रही थी ना तुम्हें। हे भगवान, किस लिए इतना खरीदा? इसे मैंने बगल के तालाब में देखा तो मेरा दिल किया कि मैं लेता हूँ। वैसे इस घर में केवल शाकाहारी बनता है ना, अगर मसाला पीस कर इसे बनाए तो मजा आएगा, जीभ का टेस्ट बदल जाएगा। इस तरह खरीदारी करके खाना खाने के लिए ये कोई होटल नहीं है, तुम अपने आप बनाकर खा लो, काफी है। माँ वो मछली इसे दे दो। ये क्या है बेटी, माधवन बहुत दिल से लेकर आया है ना? माधवन कौन है? माधवन काउंटर का नाम ही माधवन है ना? माँ जी मैं अब आगे से माधवन कहकर ही बुलाऊंगी। ठीक है। तो फिर माधवन तुम जैसा चाहते हो वैसा सालन बनाकर देती हूँ, ठीक है? माँ अरे बेटी रहने दो, मैं बना दूंगी। मछली खरीदने पर इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? हाँ है, आप क्यों स्टूडियो में जाकर हमारी फोटो लिए थे? ओह तो ये बात है क्या? कुछ दिन पहले फोटो सुधारने की बात माने की थी, मैंने सुना था टाउन स्टूडियो में हो सकता है, तो इसीलिए बस ऐसे ही जाकर पूछ लिया था। फ्रेम लगाकर रेडी है उसने ऐसा बोला, तो मैं ले आया। इसमें गलत क्या है? क्या है, जब मैं लेने गई तब उन्होंने कहा काउंटर लेकर गया है, ऐसा बोलकर हंस रहा था। बहुत गुस्सा आया था जानते हो। अब इसमें शरीर का अपने जैसा क्या है?
मेनन सर मेरे पिताजी जैसे हैं। उनका परिवार मतलब मेरा परिवार, इसीलिए मैं इतना ख्याल रखता हूँ। अगर पिताजी के ऊपर इतना प्यार है तो जितना जल्दी हो सके तुम्हें पैसे देने चाहिए। सारा हिसाब किताब मेरे पास है, किसको पैसा देना है मैं सब दे दूंगा। तुम्हारी शादी करवा के ही ये माधवन यहाँ से जाएगा। शादी क्यों नहीं करना है क्या? सुनो, ज्यादा चढ़ाओ मत, मेरी जो जुबान है वो काली जुबान है, गुस्से में कुछ बोल दिया ना तो। ये आखिर किस तरह की लड़की है? तुम्हारे भाई लोग ने जो लिखकर बंटवारे का पेपर दिया, जब वो जमीन को बेच रहे थे तब तुम्हारे नाम पर भी जमीन का कुछ हिस्सा रख दिया था। तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम्हारी खाली जमीन पड़ी हुई है उसकी कीमत कितनी मिलेगी? कोई आइडिया है? शादी में मदद करने के लिए जो भी तुम उधार देकर रखे थे वो पैसे तुम्हारे नाम पर छोड़ दिए हैं, वो सब काट कर बाकी तुम्हें जो मिलने वाला हिस्सा इतना ही है बेटा। जो बंटवारा हुआ उसके मुताबिक जो भी जमीन का हिस्सा तुम्हें मिलने वाला है वो इतना ही है, जब तुम साइन करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। नहीं गुरुजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए तो मैं वहाँ से आ गया। और कोई बात नहीं है, अपने कंधे पर लेकर जिसने मुझे लोरिया सुनाई वो खून का ही तो रिश्ता है, उन्हें सब कुछ दे दीजिए, उन लोगों को ले लेने दो। अच्छा, माँ ने कुछ बोला क्या? मैं घर नहीं गया था, नंदू के घर में कुछ चर्चा हो रही थी, माँ को इस बारे में बताने की जरूरत नहीं, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। मैं कहा हूँ, किसी ने पूछा क्या? तमिलनाडु में बिजनेस शुरू करने गया था, ऐसा उन लोगों ने कहा, सब कुछ छोड़कर वापस वहाँ जाएगा, ऐसा वो लोग मुझसे पूछेंगे सोचा था। मोहन सर, मेरे लिए उन्हें थोड़ा समझाइए। मैं अरे अभिनय करने के लिए डायलॉग बोलना पड़ता है, सिनेमा में आने के लिए मैं कोई भी डायलॉग बोलूंगा। बड़ा आया डायलॉग बोलने वाला, चल निकल निकल। मनोज सर, यही वो घर है जिसके बारे में मैंने कहा था। एक्सटीरियर ओके है ना प्रदीप? ओके सर, हम जरा अंदर जाकर देखेंगे। मेरा खुद का घर है ना, पूरा घर में एक बड़ा सीन मिलेगा सर। हे भगवान, आप म्यूजिक डायरेक्टर मनोहर सर है ना? सर, आपका गाना मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। ये जया है, मामा जी की सेकंड डॉटर है, कॉलेज में पढ़ती है। अरे तुम तो सर का गाना सुनकर होश खो बैठती थी ना, अब सर यहाँ पर शूटिंग करने वाले हैं। आपकी शूटिंग? नहीं नहीं, उसके लिए स्टोरी नहीं मिली, तुम जाकर माँ और मीरा को लेकर आओ। वैसे मीरा मेरी कौन है? होने वाली मंगेतर है, कहीं भी शूट कर लो। कुछ पेंटिंग वेंटिंग का काम होगा तो मुझे बोलिए। तुम कुछ मत करना, वही काम के बारे में बोल रहा हूँ मैं। कुछ मत करो, जैसा है वैसा रहने दो, सही है ना प्रदीप? सर रुको, मैं आता हूँ। कुछ ऑटो रिक्शा वाले का कैरेक्टर हो गया क्या सर? किससे पूछकर तुम इन लोगों को यहाँ लेकर आए हो? तुम यहाँ फिल्म की शूटिंग नहीं कर सकते? अरे जब माँ लक्ष्मी अपने घर आती है तो उसे चौखट पर रोककर बाहर नहीं भेजना चाहिए। कोई भी होने दो, यहाँ शूटिंग नहीं कर सकते, तुम जाओ अंदर। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छा किराया मिलेगा, 10-15 दिन के लिए चाहिए ऐसा बोले हैं। एक दिन में 2000 बोला तो भी 15 दिन का कितना होता है जरा हिसाब लगाओ। मामा जी को मुझे जो पैसा देना है उस पैसे से मैं हिसाब पूरा कर लूंगा। इस तरह बोल के अपने हिसाब में जोड़ने की मत सोचो, केवल 5000 ही है ना। 5000 रुपए, ऐसा किसने बोला? तुमको जो पैसा देना है वो डायरी में लिख रखा है। इनके सामने बेइज्जत होने से पहले उनको यहाँ से लेके चुपचाप निकल जाओ। ये बोलने वाला तू कौन होता है? जिसे बोलना उनको बोलने दो, उनको लेकर चले जाओ यहाँ से। माँ जी, आज नहीं तो कल मीरा के गले में मंगलसूत्र पहनाने वाला मैं ही हूँ। चल निकल यहाँ से, बड़ा आया। चलो तुम एक मिनट वेट करो, मैं आता हूँ। क्या बात है? सर माफ कीजिएगा, इनके पिताजी को मरे भी कुछ दिन हुए हैं, इसीलिए गुस्सा मत कीजिएगा। शूटिंग करेंगे तो हमें भी एक्टिंग का मौका मिलेगा काउंटर जी। मैं तो अभी उससे बड़े रोल की एक्टिंग कर रहा हूँ। इस आदमी के कहने पर हम लोग यहाँ आए थे, अगर पसंद नहीं है तो नहीं चाहिए। सुनिए, इससे भी अच्छा कर देता हूँ मैं। चलता हूँ। सर रुकिए, मैं भी आता हूँ। माँ बेटी को तुम लुभा कर रखे हो ना, हम जरूर मिलेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी। यहीं पर रुकना, आइए आप लोग बैठिए, मैं बुला कर लाता हूँ। माँ जी, क्या है ये, जरा अच्छे से कपड़े सुखाओ। अरे माँ जी, मैं आपको कब से आवाज दे रहा हूँ। जिस काम से गए थे उसका क्या हुआ? ये रहे कागजात, आधार कार्ड और पेपर, और ये जिस पर मेनन सर ने अपना साइन किया था। हाँ,
बेटी, हमारे उधार के कागजात के पेपर मिल गए हैं। मैंने अपना वादा पूरा किया। आप लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहे, मैं प्रार्थना करूंगा। अब जॉर्ज भाई से डरने की कोई जरूरत नहीं। अभी तुम मोहन कृष्णन का उधार भी चुका दोगे तो अच्छा होगा। अब आप खुश है ना? खुशी हुई बेटा माधवन, बहुत खुशी हुई। तो फिर एक खुशी की बात और भी है। वो क्या है? माँ जी आप मेरे साथ आइए। हे भगवान। वो अभी आ रही है। बात को समझा दिया ना? सारी बात कुंजू भाई आप सामने से ही बोल दीजिएगा, ठीक है? आहा मास्टर जी। आप इनसे खुद बोल दीजिए। कृष्णवारिया मास्टर और माधव दोनों ने बालकृष्णन के पिताजी को सारी बात समझाई थी। अगर आप राजी हैं तो मैनन सर ने जो शादी तय की थी वो शादी करवाने को तैयार हैं। अगर हम लोग राजी नहीं हुए तो? मीरा तुम इस मामले के बीच में मत आओ। अगर तुम राजी नहीं हो तो कोई बात ठीक नहीं। है, लेकिन पिताजी के मरने के बाद भी वो लोग अपना चेहरा दिखाने नहीं आए, ऐसे लोग वो क्या है? वो लोग तो कुछ बाद में भी आकर मिल बात सकते ये है कि तब किसी बहाने की जरूरत नहीं है। जो उधार लेकर चुकाए बिना मर गया है उसके घर में शादी करेंगे तो उधार पूरा उसके सर पर आ जाएगा। इस डर की वजह से उन्होंने ऐसा किया। मीरा इस तरह गुस्से में आकर कुछ भी मत बोलो। जो नहीं आ सके माफी मांग रहे इतना ही काफी है। कुंडली को देखकर सब रिश्ता तय हो गया ना बेटी? कुंडली के साथ साथ दिल भी मिलने चाहिए ना मास्टर जी। बड़ा कुंडली की बात समझाइए ना इसे। मुझे जो समझना था मैं समझ गई। आप इस आदमी को समझा कर भेज दीजिए मास्टर जी। बड़ा आया खुशखबरी देने के लिए। हाँ आओ आओ। मेरी एक्टिंग मेरे पास होती जॉर्ज भाई। अपनी एक्टिंग अपने पास ही रखो, लेकिन ये ऑटो रिक्शा जो है वो जॉर्ज के हाथों में रहेगा जब्बार बेटा। अरे भाई ऐसा मत करना। माँ हॉस्पिटल में उस वजह से। भगवान की कसम मैं आपका उधार चुका दूंगा। अगले दिन दे देने का। तुम्हारा सिनेमा कहाँ तक पहुँचा? वो सिनेमा वाले को मैं शूटिंग के लिए भाड़े पर दिया हूँ अपने जोसेफ भाई के कहने पर। वो सब रहने दो। अंजा गाँव का मुत्तपन आया क्या? उसके लिए क्यों हिचक रहे हो तुम? घर पे जाके मिल लेंगे। उससे मिलकर कुछ बात करनी है। उसके लिए तो काउंटर वहाँ हिफाजत करने के लिए खड़ा है ना। और उस आदमी से मुझे अब किस बहाने से जाऊँ? 5,000 रुपए थे क्या? तुम्हारी बात को सुनकर लगा कि 1-2 लाख रुपए होंगे। ये सही बात थी। मैंने ले लिया ना, लेकिन मेरे स्वर्गवासी मामा मरने से पहले जो मिलने वाला है, जो देने वाला है, उसका हिसाब किताब लिख कर रखेगा। ऐसा मैंने सोचा थोड़े था। हाँ दे दिया। मैंने सोचा पैसे नहीं मिले तो जमीन और घर तो मिल ही जाएंगे, लेकिन वो आदमी कुछ ज्यादा ही चलाक था। उसने वो काउंटर बड़ी होशियारी से मुझसे छीन लिया। उतरो उतरो जल्दी उतरो। चलो जाने दो। चलो चलो आओ आ जाओ। शादी कराने वाला जब ब्रोकर घर आया था उसको भगाकर रख दिया, ऐसा सुना था मैं। तुम्हारे दिल की बात को जानने के लिए इंतजार में खड़ा था। चली जाना, इतनी जल्दी क्या है? मेरा दुखी मत होना, मुझे तुरंत तलाक मिल जाएगा। वैसे वो मेरे मन के मुताबिक चलने वाली लड़की नहीं है। अगर तुम मिल गई तो। सुनो अपनी जबान को लगाम दो। क्या प्रॉब्लम है? हम एक ही परिवार के लोग हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं। मीरा तुम जाओ। तुम कौन हो? उसके बॉडीगार्ड हो क्या? मेरे सामने हिटलरगिरी मत दिखाना। ये पांडी देश पलनी नहीं है। जिसको देना था वो दे दिया ना, अब निकलो यहाँ से माधवन काउंटर। कैसे? वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है ना, वही लड़की से मिल गई है। वैसे ये छोड़ के जा सकता है क्या? अरे मार कर दफना दो उसको। भगवान, इसके गुरु के हाथों से जो मार मुझे मिली है उसका दर्द तो मिला नहीं क्या? Oh, my God.
अब एक शब्द और उसकी माँ और उसकी बेटी के बारे में कहा तो ठीक नहीं होगा। गरीबों का खून चूसने वाले तुम जैसे लोगों को मैं जमीन के अंदर गाड़ दूंगा, समझ गए? क्यों जॉर्ज, कुछ बोलना। इस माधवन को कब जाना इसका फैसला मैं ही करूंगा, और पीठ पीछे अगर कोई बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए? मैं जाऊं क्या? अक्सर लोगों को झगड़ा करके इस तरह चले जाने की आदत है, लेकिन मैंने मारपीट करके आप लोगों का जो भी नुकसान किया है उसकी भरपाई मैं ही करूंगा। मेरी बेटी तुम जरा शांत हो जाओ, देखो वो आ गया है। बेटी तुम अभी उधर मत जाना, मेरा हाथ छोड़ो। अब खुश हो ना तुम? इतने दिन हम तकलीफ में जी रहे थे, बस बेइज्जत होना बाकी था, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मेरा अभिमान टूट गया। मीरा मैं कुछ मत बोलो, उन्होंने जो पूछा उसमें क्या गलत है? हम लोगों को जो पैसे देने थे वो तो आपने दे दिए है ना, फिर क्यों हमारी इज्जत को निकालने के लिए खड़े हैं? चले जाना चाहिए आपको यहाँ से। माँ जी मैं तो हमारी शान जिंदगी को बिगाड़ो मत माधवन। कहाँ गया वो आदमी? उठा नहीं होगा, मास्टर आपसे मिलने के लिए ही सोच रहे थे हम कल। हाँ मैं जानता हूँ, मुझे पता चला सुबह त्योहार का इंतजाम करने के लिए कलिया गांव तक जाकर आया था। टाउन में जॉर्ज के साथ कुछ मारपीट तो किया है, पुलिस भी आई थी। जाने वाले को कुछ बोलकर जाना था ना, सुनने से पता भी चलता कि उन्होंने क्या बोला। पता चलने जैसा कुछ भी नहीं है, आगे से उस आदमी को यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। काउंटर लगता है घर छोड़कर चला गया। क्या है वो? खत है। खत? जरा पढ़ो। मैं जा रहा हूँ, मैंने आज तक किसी को दुख नहीं पहुँचाया है। यहाँ आने के बाद मुझे मेरे परिवार जैसा ही लगा। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान आपको सारी खुशियाँ दे। जरूरत पड़ने पर कुछ ज्यादा ही अधिकार मैंने जता दिया हो तो माफ कर दीजिएगा। सबके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। आपका माधव। ये नंदी गांव बोला तो कुछ भी हो, परेशानी तो दूर हो गई ना, अच्छा ही हुआ। कौन है मास्टर? पल्ली के काउंटर का लड़का है ये। तालाब के पास मुझे मिला, घर का पता पूछ रहा था। मेनन का पुराना दोस्त पल्ली में रहने वाला काउंटर का लड़का है ये। वो आदमी मर गया है। मेरा नाम गणेश है। यहाँ बैठने के लिए बोलिए मास्टर जी। वहाँ बैठते हैं। मेनन सर से कई बार मिला हूँ मैं। किस लिए आए हैं जरा पूछिए। मैं मलयालम सुनूंगा तो समझ लेता हूँ, लेकिन बात करना थोड़ा मुश्किल है। मेरे पिताजी मेनन सर को जुबान दे रखे थे, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए। इसकी वजह से मास्टर के बेटी की शादी रुक गई। इस बात को लेकर पिताजी ने अपनी जान गंवा दी। आपको समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है। मास्टर जी की मौत के बारे में बहुत देर से मुझे पता चला। मेनन की मौत की खबर देर से मालूम हुई, ऐसा बोल रहा है। समझ में आ गया है मास्टर। चाहे किसी का भी कर्ज रोक दो, लेकिन मेनन सर का पैसा लौटाना, ऐसा मेरी माँ बोली थी। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो माँ भी मेरे साथ में आती। मेरे पिताजी को मेनन सर को जो पैसा देना था वो इसमें है। ले लो। फिर माधवन ने जो पैसा दिया था? मैंने पूछा था माधवन के बारे में, गणेश उसे नहीं जानता है। हाँ रास्ते में इन्होंने मुझसे पूछा था,
लेकिन माधवन कौन है ये मैं नहीं जानता हूँ। हमने उन्हें कोई भी पैसा नहीं दिया था। ये पैसा आपको मिलने वाला पैसा है, मेहरबानी करके ले लीजिए। ले लीजिए माँ जी, इसे रख लीजिए। माँ का फोन है। एक्सक्यूज मी, हेलो। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बिना किसी रिश्ते के किसी माधवन ने आकर हमारी क्यों मदद की? मैनन को पैसा देने वाला और कोई हो सकता है क्या? पल्ली में पैसे के लेन देन में किसी का संबंध नहीं है, ये मैं जानती हूँ। हे भगवान, मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। तुम हिम्मत से काम लो, क्या करना है इस बारे में हम सोचेंगे। ठीक है माँ। मीरा की शादी में यहाँ आकर तुम सबसे मिलने के लिए, ऐसा पिताजी बोले थे, ये माँ बोल रही है। किस्मत में नहीं है, क्या कर सकते हैं, सब ऊपर वाले का खेल है। शादी में जरूर बुलाने के लिए बोले हैं, पैसा देने में लेट हुआ उसके लिए माफी भी मांग रही थी। अब मैं चलता हूं माँ जी। मेरा वादा मैंने पूरा किया, आप लोग हमेशा खुश रहिए, मैं प्रार्थना करूंगा। अब जॉर्ज भाई आपको परेशान नहीं करेंगे। मेनन सर मेरे पिताजी जैसे हैं और उनका परिवार मेरा भी है, इसीलिए सबका ख्याल रख रहा हूँ। अगर पिताजी के प्रति इतना प्यार है तो जितना जल्दी हो सके पैसे दो और जाओ। मीरा मैं, उन्होंने जो पूछा उसमें क्या गलत है? हम लोगों को जो पैसे देने थे वो तो आपने दे दिए है ना, फिर क्यों हमारी इज्जत को निकालने के लिए खड़े हैं? चले जाना चाहिए आपको यहाँ से। अब तुम लोगों के दिल को शांति मिल गई ना? उस दिन भाई ने बोला था वो लोग धोखेबाज हैं, तब तुम लोगों के जहन में ये बात नहीं घुसी, और अब साथ में रहकर वो लोग इतना बड़ा धोखा देंगे, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसा राजन भाई भी बोल रहे थे। माँ, आपके चेहरे को देखने की हिम्मत नहीं है इसीलिए नहीं आए हैं। अगर माधवन होता तो ऐसा कुछ नहीं होता, सबको एक साथ मिलकर घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हम भाई को ढूंढ निकालेंगे, भाई पल्ली में कहीं तो है, गुरुजी जरूर जानते होंगे। माँ, आपसे मिलने के लिए कोई तो आया है, कौन है मैं नहीं जानता हूँ। कौन हो आप? मेरा नाम है कृष्णवारिया और ये है मीरा, हम चेरतुर गांव से आ रहे हैं। बैठिए, क्या है जो इतनी दूर आए? ये माधवन को मिलने वाला पैसा है, वही देने के लिए आए हैं हम। माधवन भाई यहाँ नहीं है, वो पल्ली गए हुए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। पल्ली जाकर हम ढूंढ कर ही आए हैं यहाँ पर। तुम मेरे बेटे को जरूर लाना। बेटी बेटी मेरा, तुम कहाँ उतर कर जा रही हो? रुको रुको, माधव माधव, मैं जानती थी कि भगवान मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं नहीं, माधवन यहाँ कुछ मत बोलिए, मैं सब जानती हूँ। मीरा, आपको मैंने बहुत तकलीफ दी है, गलती हो गई, माफ कर दो, फिर से आपको गांव आना होगा। नहीं मीरा, मैं यहाँ खुश हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ सच में। तुम्हें पता है ये बेजुबान प्राणी ही इस माधवन के दिल की बात को समझते हैं। मेरे हंसने पर ये लोग भी खुश होते हैं और रोने से जीप से चाट कर मेरे आंसुओं को पोंछते भी हैं। इनसे ज्यादा मुझे कोई और नहीं समझ पाएगा, मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। माधव, आपकी माँ की कहने पर ही मैं यहाँ आई थी। आपके दिल के बाद जाने बिना ही मैंने अपनी तरफ से उन्हें जबान दे दी है, सब लोग आपसे माफी मांगने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हाँ।
इस माँ के ऊपर गुस्सा मत करो बेटा। सब लोग तुम्हारी कमियों को देखकर तुम्हें नोच रहे थे, बर्दाश्त नहीं कर पाई। बेटा तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। भगवान का कीजिए मम्मी। हाँ, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे हम, लेकिन भगवान ने ढूंढ कर दे दिया ना भाई। ज्यादा पढ़े उस घमंड में कुछ तो बोल दिया होगा। कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ। पहले जैसे सारे काम को लेकर आप ही चलाइए। वो सब मुझे नहीं चाहिए, सारा कारोबार तुम ही लोग संभालो इतना ही काफी है, क्योंकि अब मुझसे कुछ नहीं होने वाला। साले साहब, तब की परिस्थिति में हम लोग अनजाने में गलती कर बैठे, मुझे माफ कर। मुझे किसी के ऊपर कोई गुस्सा नहीं है। जब मीरा ने आके बोला तो मैं मिलने चला है, उनसे मिलने का दिल कर रहा था। दिल में एक बोझ था वो भी उतर गया, दिल को अब शांति मिल रही है। अगर मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ तो बस एक अजनबी के जैसा। माधव, तुम्हारे आने की खबर को सुनकर तुमसे मिलने के लिए माधव भाई ये गांव छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। अगर हमारी वजह से आप कर्जदार बन गए तो हम कुछ भी करके उसका उधार चुका देंगे, लेकिन तुम यहाँ से मत जाओ। तुम बारिश की पानी की तरह हो माधव, तुम यहाँ से चले जाओगे तो ये जमीन बंजर हो जाएगी। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर।